क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, बहुत ही बेसिक डोमेन ऑफ, डोमेन ऑफ। कई बार क्या होगा ना, आपको बड़े बड़े क्वेश्चन तो कर लेते हैं लेकिन सर छोटे क्वेश्चन का आंसर नहीं होता। जल्दी बताओ इसका डोमेन बताओ, एफ एक्स इक्वल टू एक्स बाई एच, डोमेन बताओ। बहुत ही छोटे लेवल का क्वेश्चन, बड़े को के लिए आर होगा सर, एक्स बिलोंग्स टू आर। अच्छा और कोई, आर माइनस जीरो। वो जरा फिर से रिकरेक्ट करे अपने आपको कि मैंने गलत कहा करा। देखो तो मैंने ये बताया था कि सर ये जो है, देखो एक ऐसा और एक वन अपॉन एक्स वाला। अच्छा यानी दो दो फंक्शन था ये सर। गरीब बच्चे क्या करते हैं, देखते हैं ये ले गया और इसका आंसर वन, ये कांस्टेंट है सर इसलिए डोमेन आर। नहीं पकड़ में आया, लेकिन वो ये नहीं देख पाता कि अगर मैं जीरो कर दूं ना तो जीरो पे क्यों आ जाएगा, और जीरो पे जीरो के डिटरमिनेंट फॉर्म में जो कि ये डिफाइन नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि सर हम डायरेक्टली काट नहीं सकते, यानी क्या ये फंक्शन को अलग अलग करके लिखा गया है। अब कितना बता सकते हैं कि ये फर्स्ट टाइप है और ये वन अपॉन एक्स टाइप है। कितना बता सकते हैं कि एक्स का डोमेन कितना हो गया आर, और मैंने बताया था कोई भी फंक्शन का डोमेन निकालते समय अगर आर आ जाए तो वो चीज हमारे लिए एक था। अब क्या निकालना है सर इसका डोमेन, वन अपॉन एक्स में मैंने बोला था वन अपॉन एक्स का डोमेन कैसे निकालते हैं, एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस में इसको जीरो कर दो जहां पे वो जीरो हो रहा है, हटा दिया ओपन, एक्स बिलोंग्स टू आर एक्सेप्ट कितना आ गया भाई, यानी दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो एक्स बिलोंग्स टू आर एक्सेप्ट जीरो। दिस इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन। कहीं पे कोई डाउट है पूछें, डाउट है कोई? नो सर। चलिए ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन ठीक है। अच्छा मान लीजिए ये समझ में आ गया, तो कल के डेट में बच्चे ऐसे डाउट करते हैं सर ये क्वेश्चन तो करा दिया और कल की डेट में बुक्स में ऐसा क्वेश्चन मिल जाए, टेस्ट पैसा मिल जाए, बेचारे फैल जाते हैं। डोमेन बताओ, देख के बताओ फटाक से सर, आर माइनस वन, आर माइनस वन। बहुत बहुत एक्स माइनस वन ओरिजिन क्या लिखेंगे भाई, एक्स माइनस वन अपन क्या लिखेंगे एक्स माइनस, ठीक है। तो इसका डोमेन कितना आ जाएगा, एक्स क्रॉस स्क्वायर माइनस। अब ऐसा नहीं है कि सर इसी तरह का क्वेश्चन हम बहुत सारे करते हैं, नहीं कोई मतलब नहीं बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से देखेंगे चीजों को समझना अच्छे से देखना, ठीक है। तो हमने ये सीख लिया कि सर डोमेन रूट वाला कैसे निकालते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। आइए अब क्या करते हैं, मैंने बताया था कि फंक्शन का क्वेश्चन का डोमेन कैसे निकालेंगे, एक निकालने से पूछ पूछ। अच्छा यहाँ पे इफ एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट में लिखा, चीजों को समझना भाई साहब, वन माइनस अंडर रूट ऑफ वन माइनस अंडर रूट ऑफ, ठीक है, वन माइनस अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, पहले बाहर वाले रूट का। तो आपको पता होना चाहिए कि बाहर वाले यानी कोई भी फंक्शन अगर रूट में है इसके अंदर जो भी फंसा होगा उसको क्या बोलेंगे, जल्दी से बताना कि पहला किस क्या निकलेगा, खाना बाहर का रूट पहले बाहर वाला। एक एक आदमी पूछे भाई तेरा तकलीफ क्या है, बोला कि मेरे वाले अंदर वाले को जीरो से बड़ा करते, तो मैंने बोला वन माइनस अंडर रूट ऑफ वन माइनस अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन जीरो। डाउट तो यहाँ तक में नहीं सर, यहाँ तक में बोल रहा हूँ। चलिए एक क्लास खत्म हो गया। अब मैं जैसे ही अंदर गया तो रूट के अंदर पाया ये, पहले ये पाया। अब मैं बोलूंगा वन कैसा भाई साहब, कॉन्स्टेंट, उसका डोमेन क्या हो गया आर, ठीक है। चलिए अब किसको देखना सर, इसका तो दिखना ही नहीं है सर, सीधा सीधा आगे बढ़ जाओ। अब इस रूट पे आता हूं तो इस रूट का क्या इलाज होगा, इस वाले पार्टी को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मैंने क्या लिखा वन माइनस अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। चलो सर यहां समझना। अब मैं इस रूट के अंदर गया, इसको देखा ये वन कैसा है, कांस्टेंट, देखना ही है, आगे बढ़ो। फिर अगला किस पे आया सर, इस पे क्या लिखूंगा अंडर रूट ऑफ सुनना जैसे, यानी इस पे जब लास्ट में आया तो वन माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। चेक करें यहां तक कोई डाउट किसी स्टेट में, डाउट है आराम से पूछे, आराम आराम से। ये हुआ है सुनो अच्छे से, आपने कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करा, ऐसा दिखता हुआ आदमी आया, ऐसे दिखते हुए फैमिली आए, तो मैंने पहले बाहर वाले से पूछा, पूछा ना भाई साहब ये बड़ा कार है, कार के अंदर मैंने पूछा भाई कौन हो, बोला भाई आपका दर्द है ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, है ना। फिर उसके अंदर क्या भाई आप कैसे हो, आपका तकलीफ क्या है, भाई ये देखो मेरा भी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। फिर उसके अंदर जब गया मैंने पूछा आप कौन भाई, मैं भी पूछू आपका भी तकलीफ ग्रेटर देन जीरो। अब यहाँ तक क्लियर हो गया, अब बात करते हैं यहाँ से सॉल्व करेंगे तीनों का इंटरसेक्शन। अब देखो मैंने x स्क्वायर माइनस वन लेस देन इक्वल टू जीरो, किसी को तकलीफ नहीं है,
माइनस थ्री मल्टीप्लाई साइन ऑफ इक्वेशन चेंज, ठीक है। अब क्या लिखा x माइनस वन और यहाँ लिखा x प्लस वन, लेस देन इक्वल टू जीरो, भाग कितना आया ये माइनस वन और ये प्लस वन, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, इसके बीच में फंसा था, लेस देन बोला लेस देन, तो x की वैल्यू आ गई माइनस वन से वन, ठीक है, क्लोज में क्लोज में क्लोज, ठीक है, ये पहला इक्वेशन आ गया, ये पहला आंसर, ठीक है। दूसरी तरफ बात करते हैं इधर और बात करते हैं, मैंने इसमें क्या लिखा वन ग्रेटर देन इक्वल टू वन माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों पॉजिटिव है, याद रखना अच्छे से। कई बार क्या होता है ना कि हम स्क्वायरिंग बोथ साइड जब करते हैं तो ये ध्यान नहीं रखते कि कौन सी क्वांटिटी बड़ी है या कौन सी क्वांटिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव। जैसे फॉर एग्जांपल की अगर मैं बोल दूं कि सर देखो माइनस बी जो है वो माइनस दो से छोटा है, बिल्कुल सही है, और गलती से ये होता है कि उन्होंने स्क्वायरिंग बोथ साइड डायरेक्टली लगा दिया, जैसे ही आप लगाते हैं इसका मतलब ये होता है ये नाइन लेस देन फोर, तो ऐसे केस में क्या ध्यान रखना अच्छे से कि पहले आप दोनों साइड देख लें पॉजिटिव है ऑलरेडी बनाए एंड देन उसके बाद स्क्वायर करें, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्या करना है कि सर ये दोनों तो पॉजिटिव है, कैसे पॉजिटिव, रूट हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे स्क्वायरिंग बोल सकते हैं, ये वाला आ गया गर्दन लिखा, ये आ गया वन माइनस, इतनों को पता चल गया कि सर ये वन गर्दन इक्वल टू वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये कट गया, ठीक है। तो ये देखना अच्छे से मैं इसको लिख रहा हूँ, ध्यान से पता चीज कैसे लिख रहा हूँ, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू जीरो, और ये लेते हैं इसको घुमा के लिख दिया, अब माइनस से मल्टीप्लाई करवा एक्स स्क्वायर गर्दन इक्वल टू जीरो, कितनों को पता चल रहा है कि सर ये पॉजिटिव क्वान्टिटी एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, कह रहे हैं जीरो से बड़ा, तो कभी कभी बड़ा होगा या हमेशा बड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है कोई भी स्क्वायर क्वांटिटी, अब यहाँ पे एक्स का वैल्यू कुछ भी होगा कुछ भी, तो जीरो या जीरो से बड़ा ही है, तो ये आ गया आपका आंसर एक्स लॉन्ग स्क्वायर। आपको समझ में आ रहा है ये मैंने कैसे लिखा है, कोई भी स्क्वायर क्वांटिटी जीरो या जीरो से बड़ा ही होता है, किसी का भी स्क्वायर ले लो वो जीरो या जीरो से बड़ा होता है, व्हाटएवर आप एक्स की वैल्यू नेगेटिव रखते हैं, मान लो माइनस पांच रखा स्क्वायर पच्चीस, पच्चीस सर मेरा मन कर रहा है जीरो रखा, जीरो रखने पर क्या आएगा सर जीरो इज इक्वल टू जीरो, सही है, ठीक है। तो x प्लस टू आर का मतलब क्या हो सकता है, बेकार है मतलब, कोई मतलब ही नहीं बनता, यानी आंसर में एक ये आएगा और दूसरा इधर लिख देगा, ठीक है, इधर आइए बात करते हैं। तो वापस से मैंने क्या करा, इस रूट को उधर भेज देता हूँ ताकि पॉजिटिव बन जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा अंडर रूट ऑफ वन माइनस रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर, बहुत ही स्क्वायरिंग बोथ साइड लगा दिया, जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड लगा ये आ गया वन और इसका ढक्कन हो गया वन माइनस रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये वन से वन सही हो गया भाई साहब, तो ये दिख रहा होगा माइनस ऑफ रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू जीरो, देखो अच्छे से मैंने इसको ऐसे घुमा दिया माइनस जीरो है, अब मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड, मैंने बोला था कि ये पॉजिटिव बना के खेलना आपको, ठीक है। तो माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं वन माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। अच्छा अब मैं वापस से स्क्वायरिंग करूँगा, तो स्क्वायरिंग करने में क्या मिलेगा जल्दी से बता दो, वन माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, अगर ना ये बात है अगर मैं इसको यहाँ पे लिखना चाहूँगा सुनना अच्छे से, तो दिखेगा आपको कि एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ वन लेस देन इक्वल टू जीरो, और क्या हुआ कि इसकी वैल्यू भी कहाँ से कहाँ आ गई एक्स बिलोंग्स टू माइनस वन से, तो सर ये इक्वेशन नंबर वन है सॉरी टू है, ये इक्वेशन नंबर वन है और दोनों का फाइनल डोमेन लिख रहा हूं यहां पे लिखा हुआ फाइनल डोमेन ऑफ द फंक्शन, तो इक्वेशन वन का इंटरसेक्शन इक्वेशन टू का, तो फाइनली आपको पता चल गया होगा सर पहला वाला माइनस वन सेवन के बीच में और दूसरा वाला भी माइनस वन सेवन के बीच, तो ओवरलैप करेगा है ना, ओवरलैप करोगे तो ये यही मिलेगा, तो आर को क्या करना सर आर तो इग्नोर है पहले ही, क्योंकि अब आर लोगों को भी कॉमन पार्ट यही मिल रहा है, इसलिए क्या मिला एक्स बिलोंग्स टू माइनस, कहीं कोई डाउट है पूछे, कैसे करना है फिर से रिपीट कर रहा हूं, परेशान बिल्कुल नहीं होना, डोमेन का क्वेश्चन एकदम परेशान नहीं होना, आपको डोमेन का क्वेश्चन देखकर खुश होना है, चलिए आ गया और भी क्वेश्चन एक एक से भाई, क्या दर अंदर वाले को पॉजिटिव बना, मैं अंदर गया तो वन से पूछा कि वन कौन है भाई, पॉलिटिकल देखना नहीं इग्नोर कर दिया उसको, सीधे अगले वाले पे जा, इस पे आया मैंने पूछा भाई तेरे अंदर रूट का क्या दर, बोला भाई मेरे को भी पॉजिटिव बना, फिर फाइनली जब इसके पास आया वन को देखना नहीं कौन से पॉलिटिकल आगे बढ़, फिर से पूछा भाई ये कौन, बोला भाई सब मैं सब रूट में, तीनों को आराम से सॉल्व करा लिया, कहीं कोई डाउट है आराम से पूछे, जल्दी से कॉपी करें और किसी स्टेप पे डाउट चलिए ठीक है आप यहाँ समझ गए हो, आगे बढ़ते हैं। तो ये पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस थे जिसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है क्या, चलिए कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं फटाफट करके रिमार्क में देख लेते हैं, दो चीजें मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जल्दी से बताना, जल्दी से सोच के बताना, ठीक है ये रिमार्क लिख देता हूँ, तो रिमार्क में क्या समझता पहले लिख रहा हूं, इफ y इज इक्वल टू देखना अच्छे से मैं क्या क्या लिख रहा हूं, इफ y इज इक्वल टू fx के पावर
वन बाई थ्री एफ एक्स के पावर वन बाई फाइव डॉट अबाउट एफ एक्स के पावर वन बाई टू एन प्लस वन, ध्यान से देखना नीचे नीचे ऑड चल रहा है ऑड, ठीक है लिखा यहाँ पे लेट कर लिखा, ठीक है इफ यहीं पे लिखता हूँ इफ एफ एक्स इज पॉलीनोमियल फंक्शन, इफ एफ एक्स इज पॉलीनोमियल पॉलीनोमियल फंक्शन देन डोमेन ऑफ फंक्शन देन डोमेन डोमेन ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है रिपीट कर रहा हूँ कभी भी एफ एक्स जो भी देख रहा हूँ एफ एक्स कौन है सर यहाँ पे एफ एक्स है एक पॉलीनोमियल फंक्शन होगा पॉलीनोमियल के पावर में वन अपॉन ऑड चलेगा तो उस फंक्शन का डोमेन क्या बोलेंगे सीधा सीधा एक्स बिलोंग्स टू आर पकड़ मारी बात। अच्छा दूसरा पॉइंट लिख लेते हैं जल्दी से, है ना लेट कर लिया कि वाई इज इक्वल टू ऐसा एफ एक्स के पावर में वन बाई टू कॉमा एफ एक्स के पावर में वन बाई फोर कॉमा एफ एक्स के पावर में वन बाई सिक्स डॉट डॉट एफ एक्स के पावर में वन बाई टू, ठीक है यानी कैसा चल रहा है सर यहाँ पे इवन चल रहा है, है ना इफ वापस से लिख रहा हूँ इफ एफ एक्स इज पॉलीनोमियल एफ एक्स इज पॉलीनोमियल पॉलीनोमियल देन यू है ना देन डोमेन ऑफ फंक्शन देन डोमेन ऑफ फंक्शन कैसे लिख रहा हूँ सुनना चाहिए देन डोमेन ऑफ फंक्शन यूज एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो यानी अंदर वाले पार्टी को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, रिपीट कर रहा हूँ यानी क्या कि इस तरह से रहेगा और एफ एक्स पॉलीनोमियल है तो डोमेन ऑफ द फंक्शन आर होगा, अगर मान लीजिए सर इस तरह का फंक्शन है और एफ एक्स पॉलीनोमियल है तो एफ एक्स को ग्रेटर इक्वल टू जीरो कर देना है इस तरह के टाइम के लिए डोमेन निकल, कहीं कोई डाउट है आराम से देख लीजिए मैं दोनों पे चर्चा करूंगा आराम से। चलिए होप आपने इसको लिख लिया, बात करती है बेसिकली समझाता हूँ इसको, ये है आपने इसको पहले भी पढ़ रखा है और कैसे पढ़ रखे हो बस मैंने बताया था आपको कि 10 बेसिक ग्राफ आपको याद रखना है ना, मैं ये उम्मीद करता हूँ बहुत बच्चे याद नहीं रखते, ठीक है चलिए कैसे सर वो की बात हो ध्यान एफ एक्स इक्वल टू याद दे रहा हूँ एक फंक्शन दे रहा हूँ है ना वाई इक्वल टू लिखा है आपने एक्स के पावर में वन बाई तीन और दूसरा क्वेश्चन देखो समझ में y = दिया x के पावर 1 2 देखो जरा फोटो समझ में आ रहा है ये फंक्शन है fx ये आपको ऐसा फील दे रहा है सुनना चाहिए कैसा फील आ रहा है सर fx के पावर में 1 3 दिया हुआ है सर fx कौन है fx x है सर x कौन है पॉलीनोमियल बहुत बढ़िया सर क्या इस तरह से आपको फील आ रहा है ये fx के पावर में 1 2 लिख चलेगा सर चलेगा दौड़ेगा सर एक बार बताओ fx कौन है fx x है भाई साहब तो सर ये भी पॉलीनोमियल है क्या हां बिल्कुल दोनों पॉलीनोमियल यानी क्या दोनों पॉलीनोमियल क्या पॉलीनोमियल और ये भी कैसा है पॉलीनोमियल इसका मतलब ये हुआ कि सब दोनों का ग्राफ हम लोग जानते हैं कैसे जानते हैं जरा कोई बताएगा इसका ग्राफ नहीं आता कोई बात नहीं इसका ग्राफ याद रखना x के पावर 1 3 का सिमिलर ऐसा होगा लेटा ऑफ फॉर कैसे सर फॉर कैसे होता है फॉर इंडिवल ऐसा होता है ऐसा देखो ये फॉर मैंने इसको थप्पड़ मारा टक ये गिरा अरे ऐसा गिरेगा नहीं यार चलो इसको गिरा के दिखाते हैं सभी लोग कितना अच्छे से मैं इसको गिरा के दिखा रहा हूं लेटा हुआ फा आराम करता हुआ फा नहीं आया समझ में यानी सर इसका ग्राफ x के पावर 1 बाई थ्री आराम करता हुआ ठीक है चलिए सर ये कौन है x के पावर 1 2 मैंने इसको सिखाते से ना ऐसा याद रखेंगे इसका ग्राफ ऐसा होता है किसका सर ये बताओ ये कौन है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रूट अंडर x हाँ x के पावर 1 2 रूट अंडर x तो कितने लोग कह सकते हैं कि सर अगर इस तरह का फंक्शन है तो मेरे को पता है किस ग्राफ का डोमेन होता है देखिए डोमेन x belongs to r sir first वाले का यानी x belongs to r है इसका मतलब फंक्शन का डोमेन fx का डोमेन x belongs to r हो गया इसका मतलब कोई डोमेन सर 0 से इनफिनिटी 0 से इनफिनिटी तो x belongs to कितना गया 0 से इनफिनिटी इसका मतलब वो फंक्शन का डोमेन fx का डोमेन कैसा हो गया सर 0 से इनफिनिटी तो कितना कह सकते हैं 0 से इनफिनिटी का मतलब 0 या 0 से बड़ा होगा क्या मैं इसी चीज को लिख सकता हूँ फंक्शन का डोमेन माने एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सही तो लिख रहा हूँ अंदर पे कौन बैठा है यहाँ एक्स है इसके जगह पे कौन बैठा है एक्स एक्स और ये कैसा आया 0 या 0 से बड़ा वही तो लिखा है पकड़ में आया बात यानी आपको दिमाग में बैठा के रखना है कि कभी भी पॉलीनोमियल के पावर में 1 3 होगा तो पॉलीनोमियल के अंदर में है ना
पॉलिनोमियल के पावर में 1 बाई 3 होगा डोमेन आर, कुछ देखना ही नहीं। दूसरी बात, अगर पॉलिनोमियल के पावर में 1 बाई इवन हुआ इस तरह का, तो अंदर वाला बैठा हुआ फंक्शन को 0 0 से बढ़ा दो। पकड़ में आई बात है? चलिए इसको नोट कीजिए, बात करते हैं। आइए क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन से सब समझ आ जाएगा, बिल्कुल टेंशन वाली बात नहीं। आइए सर, कैसा क्वेश्चन है सर, जरा क्वेश्चन लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन जो आपके बोर्ड के सामने, fx इज इक्वल टू आपके आंखों के सामने दिया है ना, यहां लिख रहा हूं x अपॉन x माइनस 1 के पावर में है ना 1/2020, छोटू क्वेश्चन है छोटू। अगला लिख रहा हूं प्लस में, अगला क्या सर, x माइनस 1 के पावर में 1/2019, डोमेन ऑफ द फंक्शन, डराने के लिए नहीं दिया, सिखाने के लिए दिया। देखो बहुत सर म्यूट हो गया सर, आवाज आ रही है? यस सर। हाँ चलिए, देखा अच्छे से क्या यहाँ सीखना है आपको कि सर एक बात बताओ, ये तो ऐसा वाला फोटो देख रहा, मैं ऐसे देखता हूँ सर, ये भी पॉलिनोमियल है सर, ये भी पॉलिनोमियल है, बढ़िया सर, ये भी कैसा सर पॉलिनोमियल है सर, यानी पॉलिनोमियल फंक्शन, चीजों का समझना अच्छे से कि चीज को, तो मैंने बोला सर ये पॉलिनोमियल है ये भी पॉलिनोमियल, ये रैशनल पॉलिनोमियल, ये रैशनल फंक्शन है रैशनल। हमने ये सीखा कि सर किसी भी फंक्शन के पावर में अगर 1/2020 दे रखा है, तो हमने बोला सर अभी अभी 1/इवन पावर होगा, मैं इसको ऐसे लिखूंगा x/(x-1) = 0, एग्री करते हैं इस बात से, जल्दी से बताना है ना, सही है? चाहिए सर, इसको किस तरह बता सकते हैं पॉलिनोमियल के पावर में 1/2019 x प्लस 1? नहीं आया, समझ नहीं आया मैंने क्या क्या बोला, मैंने फारसी। यस सर, समझ में आया क्या? चलिए अभी बात करते हैं, कितने लोगों को ये बात समझ में आ गया कि आर हमारे जीवन में कई बार है, ठीक है। चलिए अगर ये भी समझ में आया तो सर इसका आंसर निकालो, वही अपना परम सत्य आंसर होगा, ठीक है। मित्र बोलो, इसको मैं देखूंगा सर, एक्स माइनस जीरो लिखा हुआ, एक्स माइनस वन लिखा है, = 0, फैक्टर आगे मुझसे प्लान करिए, तो एक्स का वैल्यू ऊपर से 0, एक्स का वैल्यू नीचे से 1, नंबर लाइन पे बिछा दो, कितना भाई 0 1, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव पॉजिटिव, ये जाता किधर है पॉजिटिव की तरफ, इक्वल टू का साइन सिर्फ न्यूमरेटर के लिए, तो यहां से इधर भागा और इधर से इधर भागा, भाई साहब समझना, जैसे यहां पे 0 पे मैं क्लोज लगाऊंगा, 1 पे मैं ओपन लगाऊंगा, नीचे से x बिलोंग्स टू कहां से का, x बिलोंग्स टू माइनस इनफिनिटी से 0 ओपन में, और क्लोज में ये क्लोज आएगा, और यूनियन कितना ओपन में 1 से इनफिनिटी, सही है। ये आपका फाइनल डोमेन ऑफ द फंक्शन है, ये डोमेन ऑफ द फंक्शन, कहीं कोई डाउट है पूछे, कहीं भी छोटा सा डाउट पूछे, बोलो भाई, किसी तरह का समस्या है? अगर समस्या नहीं है तो मैं चाहता हूं कि क्वेश्चन आप करें। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, अगला क्वेश्चन आप करेंगे, एफ एक्स की फोटो लिखा हुआ है आप जानते हैं, मॉड एक्स लिखा, मॉड एक्स माइनस वन लिखा, और चलो थोड़ा और अच्छा दे देता हूँ, 2 माइनस मॉड एक्स दिया, यहाँ पे मॉड एक्स माइनस 1 दिया, और होल पावर 1/2014 दिया, चलेगा? ट्राई कीजिए, फाइंड डोमेन, छोटू क्वेश्चन दिया छोटू, फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन, जल्दी बन गया क्या? अरे कोई बात नहीं, सुना नहीं बना, बहुत अच्छा, भगवान करे ना बना, इधर देखो सीखने का मौका मिला, देखो इधर देखो, देखो क्या दिया सर, ये दिखा सर कि सर कोई भी फंक्शन के पावर में 1/इवन, किसी भी फंक्शन के पावर में 1/इवन, इसका मतलब ये हुआ अंदर वाला पार्ट बहुत ही बढ़िया, बस बात खत्म, भाई सवाल में बढ़ूंगा अभी कुछ करना ही नहीं। चलिए तो सर एक बात होता, अगर आपने इसको ऐसे सॉल्व कर लिया तो जल्दी से बताइए कि इसमें करना क्या, मैंने बोला देखिए अच्छे से, कितना बता सकते हैं कि मॉड वाला तरीके का पॉजिटिव बना दो, मैंने लिखा मॉड एक्स माइनस वन, नीचे लिखा मॉड एक्स माइनस टू लेस देन इक्वल टू 0, समझ में आया, साइन ऑफ इक्वेशन चेंज इस मॉड नेगेटिव को पॉजिटिव बनाता है, ठीक है। अब कितना बता सकते हैं सर, अगला स्टेप अगर मैं यहाँ बात करूँ यहीं पे, तो यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ
तो यहाँ पे देखेंगे कि आपको बड़े प्यार से mod x minus 1 का एक फैक्टर दिखा, दूसरा दिखा का mod x minus 2 का एक फैक्टर दिखा इक्वल टू लेस देन 0, सही है क्या? अब मैं क्या करूंगा कि mod x बराबर यानी minus 1 बराबर 0, दूसरे तरफ भी mod x minus 2 का 0 कर दूंगा, नीचे के लिए ओपन इंटरवल, ऊपर वाले के लिए क्लोज इंटरवल। इधर क्या लिखूं सर, x इक्वल टू प्लस माइनस 1, नहीं सर ऐसे डायरेक्टली मत लिखो, किया था इक्वल टू 1 लिखा, कितना पता है मॉड हटाते ही 2 साइन प्लस माइनस 1 कॉमन तो नहीं है कोई, जागते रहने का ध्यान देना। mod x बराबर कितना लिखा 2, x बराबर कितना लिखा प्लस माइनस 2। आइए सभी लोग नंबर लाइन पे आ जाएं, फटाफट करके नंबर को देखें, माइनस 2 माइनस 1 फिर कितना 1 और 2, चार नंबर है माइनस 2 माइनस 1 0 0 तो नहीं सर, 1 फिर कितना 2, देख लो भाई मैं ये कह रहा हूं, दो रूट इधर थे दो रूट इधर, सभी के बीच में प्लस माइनस बैठा दिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैंने देखा कि सभी फैक्टर के पावर कितना दे रखा है, ऑड है ऑड, चलेगा। अब बताना जल्दी से मेरे को कौन सा आंसर चाहिए सर, नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव तो नेगेटिव कहां काम दिख रहा है, एक यहां और एक यहां, एक्स बोलो सर कहां से काम, माइनस टू से माइनस वन, तो माइनस टू देखा सर नीचे से आ रहा है ऊपर से नीचे से, इसके लिए ओपन लगा दो और वन पे क्लोज लगा दो, फिर यूनियन वन से टू, किसी को कहीं पे डाउट है पूछे, कहीं भी कोई छोटा सा भी डाउट हो यू कैन आस्क मी, ठीक है चलिए आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन छोटे मोटे क्वेश्चन आप निपटा लेंगे भरोसा करता हूं। ठीक है भाई, ये चीज समझ में आ गया आपने को, ठीक है चलिए। तो हमने क्या देखा कि अलजेब्रिक फंक्शन के क्वेश्चन इस तरह से हम लोग डील कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि अलजेब्रिक फंक्शन में पहले हमने पढ़ लिया कि मॉडल, सॉरी अलजेब्रिक फंक्शन में पहला हमने कंप्लीट करा है पॉलीनोमियल, पॉलीनोमियल फंक्शन में हमने क्वेश्चंस देखे और उसके ग्राफ देखे, और साथ में हमने क्या देखा कि सर ग्राफ के बिहाफ पे उसका डोमेन दे दिए। थर्ड पॉइंट ये देखा कि डोमेन के क्वेश्चन पॉलीनोमियल वाले कैसे करते हैं, यानी पॉलीनोमियल का क्वेश्चन अगर आपके सामने मिल जाए तो उसके डोमेन के क्वेश्चंस को कैसे टैकल करते हैं। मैंने आपको बता दिया कि फंक्शन का जो भी डोमेन होता है वो आर होता है, लेकिन उसका आर के साथ में चार कंडीशन होता है, अगर वो एज इट इज आता है तो उसको डोमेन आर कहते हैं, अगर वन अपॉन में आता है तो एक्स माइनस था एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस जीरो कर देते हैं जो फंक्शन का आपको जीरो दिया। थर्ड पॉइंट बोला कि अगर ग्रेटर देन आना अंडर रूट में है तो उसको ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो करेंगे। फोर्थ पॉइंट बोला मैंने आपको वन अपॉन अंडर रूट में ओनली कर दीजिए। उसके बाद हमने क्वेश्चंस करे, उसके बाद हमने क्या देखा आज कि एफ एक्स के पावर में 1/3 1/5 1/5 ना ऑड रहे तो डायरेक्टली उसका डोमेन आर बोलेंगे तभी जब अंदर वाला फंक्शन पॉलीनोमियल होगा। फिर उसके बाद मैंने दूसरा बोला कि अगर मान लीजिए पॉलीनोमियल के पावर में 1/1 चला तो ओनली ग्रेटर देन इक्वल टू दैट्स इट, टॉपिक भी नहीं बोल रहा है, ठीक है। आइए इसके बाद जो अगला टॉपिक है उसके बाद हम बात करेंगे मॉडुलस फंक्शन के ऊपर। आइए स्टार्ट करके बात करते हैं मॉड फंक्शन, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं पीस वाइज फंक्शन में हमने रैशनल इरैशनल सब पढ़ लिया है, ना पॉलीनोमियल पढ़ लिया है, अब हम लोग मॉड फंक्शन मतलब पीस वाइज फंक्शन का पहला डिग्री पीस वाइज फंक्शन लिखेंगे, पीस वाइज फंक्शन, पीस वाइज फंक्शन मतलब और डिफाइंड फंक्शन, डिफाइंड फंक्शन, ठीक है क्या, पीस वाइज फंक्शन और डिफाइंड फंक्शन। अगर पीस वाइज फंक्शन या डिफाइंड फंक्शन कह रहे हैं तो इसमें अपने को करना क्या है, पीस वाइज फंक्शन होगा या डिफाइंड फंक्शन होगा अपने को कुछ करना नहीं है, इसमें देख लेना कि सर फंक्शन कौन सा उठा रहा है ना, बेसिकली चार तरह का होता है, इसमें चार तरह का कौन कौन सा था वो पहले लिख देता हूँ, वापस से स्टार्ट करेंगे कौन कौन सा पढ़ना। मैंने बता दिया कि इसमें मॉड फंक्शन आएगा, फिर आएगा आपका यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जिसको जीआईएफ बोलेंगे, फिर आएगा आपका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है, और लास्ट में आएगा सिग्नम फंक्शन, सिग्नम एक्स है ना, सिग्नम एक्स, सिग्नम एक्स, ठीक है। ये चार तरह का फंक्शन पढ़ना है, इस चार तरह के फंक्शन में हम लोग पहला पॉइंट उठा रहे हैं मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन इज अ टाइप ऑफ पीसवाइज फंक्शन और डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। चलिए मॉडुलस के बारे में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले रखा था, उसके ऊपर इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस भी कर रखे थे, तो यहां पे मॉडुलस फंक्शन है दिखता कैसे है सब कुछ बता देते, ठीक है। तो यहां पे मॉडुलस फंक्शन क्या है ध्यान रखना, एक एक चीज को समझना, मैंने लिखा कि लेट है ना, डेफिनेशन पार्ट पे चलता हूं चीजों को समझना है ना, डेफिनेशन पे डायरेक्ट बात करता हूं, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन है क्या, पहला पार्ट तो सर रिप्रेजेंट कैसा दिखता है, रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन में रिप्रेजेंटेड बाय कैसे दिखाते हैं, y इक्वल टू ऐसा दो लाइनों के बीच में एक x बसा होगा, इसको बोलते हैं मॉडुलस फंक्शन, रिप्रेजेंटेड बाय y इक्वल टू mod x, रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट है इसको कह सकते हैं मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। चलिए तो यानी क्या हुआ, मॉडुलस फंक्शन कैसा दिखता है, रिप्रेजेंटेड बाय y इक्वल टू mod x। चलिए पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं, सुनना अच्छे से, पॉइंट नंबर 2 ये है, मॉडुलस ऑफ x यहां पे लिखते हो अच्छे से, ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी,
ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, मैंने ये पढ़ा रखा है, मैंने बोला भी था कि थोड़ा सा प्रोडक्शन ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी। देखिए पॉइंट नंबर 3 पे आता हूं, मॉडुलस ऑफ x हैज टू पॉजिटिव हैज टू साइन, हैज टू साइन, दो साइन होता है भाई सर, कौन-कौन सा, एक तो होता है सर पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। अब कैसे आता है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन, कंडीशन के अकॉर्डिंग बात, ठीक है। तो ये तीन पॉइंट हो गया, इन तीन पॉइंट में किसी तरह का भी डाउट है तो पूछो। मॉडुलस फंक्शन दिखता ऐसा है, होता क्या है, मॉड एक्स ऑलवेज पॉजिटिव होता है, मॉड एक्स का दो साइन होता है तो अकॉर्डिंग टू द वैल्यू होता है, यानी क्या, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, यानी जो कंडीशन एक्स का होगा उसके अकॉर्डिंग पॉजिटिव नेगेटिव बताएंगे। पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं, पॉइंट नंबर 4 क्या है, आप समझना चाहिए हाउ टू ब्रेक मॉडुलस फंक्शन, ब्रेकिंग ऑफ मॉडुलस फंक्शन, है ना, ब्रेकिंग ऑफ मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन ये इंपॉर्टेंट है, कैसे ब्रेक करेंगे चीजों को समझना है यहाँ पे। तो ब्रेकिंग क्या होता है यहाँ पे समझना, चलिए ये यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे कैसे, जैसे वाई इज इक्वल टू यहाँ पे मॉड एक्स दिया है और यहाँ पे लिखा है कि इसको ब्रेक कैसे करना, कुछ नहीं करना, ध्यान समझना, पिछले क्लास में अच्छे से समझना, रिपीट हो रहा है ये चीज समझ लेना। करना क्या है इसमें सर, देखो इसका क्या करना है, इसको जीरो कर दिया, अंदर वाले पार्टिकल जो है इसको जीरो के सामने छोड़ दिया, मैंने जीरो कर दिया, और इसी का नाम हम लोग करेंगे टर्निंग पॉइंट, ये टर्निंग पॉइंट होता है कहां से ग्राफ घूम गया, ठीक है। तो ये टर्निंग पॉइंट दिया, अब क्या करना है, ये जीरो से बड़ा सोचना है और यही जीरो से छोटा सोचना, लिखने का तरीका समझ लेना, ग्रेटर इक्वल टू जीरो लेस देन इक्वल टू, है ना, कह सकते हैं पेपर में भी यही आता है, इसीलिए आपको ये ध्यान में रखना है कि ग्रेटर इक्वल टू जीरो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू भी लगा सकते हैं नहीं भी लगा सकते हैं क्योंकि ऑटोमेटिक यहाँ पे जीरो इक्वल है, ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो आपने अगर क्या, अब इसको लिखना कैसे, तोड़ना कैसे, समझ के कर क्या हो सकते, क्या करना है, अंदर वाले को जीरो करके देख लिया, अगर वो जीरो आया तो उसी से बड़ा उसी से छोटा सोच, ठीक है, बड़ा रखोगे जीरो से बड़ा तो सीधा सीधा ये मॉड हटेगा और प्लस एक्स आ जाएगा, और जिस दिन आपने जीरो से छोटा सोचा तो ये मॉड हटेगा माइनस, कोई डाउट तो नहीं है, ये आपका ब्रेकिंग हो गया वैसा, ठीक है, अच्छे से देख लो। अब सर एक बात बताओ, आपने पीस वाइज और डिफाइन फंक्शन क्यों बोला, सुनना, पीस वाइज और डिफाइन का क्या मतलब है, पीस का मतलब होता है टुकड़ा, डिफाइन का मतलब होता है कि कहां से कहां वो ज्ञात होगा या फिर किस वैल्यू के लिए वो डिफाइन, पीस का मतलब होता है टुकड़ा और डिफाइन का मतलब होता है वो एक्स किस वैल्यू के लिए, कौन सा एक्स लेना है, मतलब एक्स ऐसा है तो फंक्शन वैसा लेना है, एक्स ऐसा है तो फंक्शन वैसा लेना है, सुनना, पीस का मतलब क्या हुआ, टुकड़ा, देखो टुकड़ा हो गया, अरे ये एक कहां है, दो दो है, टुकड़े हो गए सर। डिफाइन का क्या मतलब, डिफाइन का मतलब जब आप एक्स का वैल्यू ये लोगे ना जीरो से बड़ा, जिस दिन आपने एक्स का वैल्यू जीरो से बढ़े तो वाई इज इक्वल टू ये चिल्लाएगा, वाई इज इक्वल टू पॉजिटिव, जिस दिन आपने x का वैल्यू नेगेटिव किया y चिल्लाया कि y, यानी x है तो y ऐसा, x ऐसा है तो y ऐसा, दिस इज नोन एज डिफाइन फंक्शन, डिफाइन का मतलब x ऐसा है तो y वैसा है, x ऐसा है तो, पकड़ में आई बात, इसको नोट करें अच्छे से। तो थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट पे तक हम पहुंच गए, होप आपको यहाँ तक डाउट है तो आप डाउट करें, किसी को डाउट है यहाँ तक में, नो सर, चलिए ठीक है, यहाँ तक में कोई डाउट नहीं है, चलिए। तो सभी लोग को याद है क्या मैंने बोला था स्टार्टिंग में भी कि 10 ग्राफ आप जरूर याद रखना, ठीक है, नहीं याद रखोगे तो बेसिक में फंसोगे आप, है ना। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, पढ़ने का तो बहुत मौका है, घर पे करते क्या तुम लोग, पढ़ो स्कूल, अच्छा स्कूल का भी क्लास करना रहता है क्या, यस सर, बहुत होमवर्क मिलता है, नहीं नहीं कोई बात नहीं, स्कूल भी अटेंड करना है लेकिन कभी कभी अटेंड करना है, ऐसा नहीं आप अटेंड करो बट फोन साइलेंट पर रख के छोड़ो, पढ़ना चल करो कभी कभी, है ना, ब्लेम मत करना मेरे को कि सर ने ऐसा बोला था इसलिए, ना पूरा पढ़ाई करना है बट ऐसा नहीं कि रेगुलरली में उसको ज्वाइन करना है, अपना टाइम ज्यादा से ज्यादा अपनी चीजों पर ध्यान दें और उसको कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन जान बुझ के सिखा दे रहा हूँ ताकि अपने को पता चला ग्राफ बोलो, सॉरी ब्रेक करना है, किसको पता चला कि इसका टर्निंग पॉइंट क्या बोल रहा है,
x माइनस दो बराबर जीरो किया, x बराबर दो आ गया। अब करना क्या है सुनो, करना क्या सुन लेना अच्छे से, करना यही है सर कि जो टर्निंग पॉइंट है उसी से बड़ा उसी से छोटा, बड़ा लिया मॉड हटा दो सर, x माइनस दो पॉजिटिव आ गया, छोटा लिया तो माइनस लगा दूंगा सर। कोई डाउट है कहीं पर पूछो, सही है क्या? चलिए अगला क्वेश्चन देता हूं, आप लोग जल्दी जल्दी से ब्रेक कर लेना, मैं चाहूंगा किसका आंसर आपको बताए जल्दी से, जल्दी से जल्दी से। एक्स प्लस थ्री है मॉड मॉड, सर x प्लस थ्री होगा जब x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस थ्री, और माइनस ऑफ x प्लस थ्री होगा जब x लेस देन थ्री। बहुत ही बढ़िया, माइनस थ्री है सर। चलिए बहुत बढ़िया, एक बच्चे ने ब्रेक ब्रेक कर लिया, इसका टर्निंग पॉइंट क्या हो गया, x इक्वल टू माइनस थ्री, क्योंकि सर इसको ऐसे रखेंगे ना, थ्री बराबर जीरो, x इक्वल टू माइनस थ्री, चिल्लाता हुआ बाहर आएगा, जैसे चिल्लाएगा मैं बोलूंगा छोड़ना चालू करो, ग्रेटर माइनस थ्री लेस देन माइनस थ्री, कितना बता सकते हैं, जैसे ही बड़ा रखोगे तो सर ये मॉड डंडा हटेगा प्लस थ्री आ जाएगा, और जैसे आप माइनस से लोगे तो डंडा हटेगा लेकिन माइनस में साथ आएगा, ठीक है क्या? चलिए ये बात समझ में आ गया, तो अपनी ये आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आपने ब्रेक करना सीख लिया, इस तरह के क्वेश्चन आप ब्रेक कर लेंगे इसी पॉइंट पर डूबे, तो इसी पे सिंगल सिंगल था, सिंगल सिंगल ब्रेक करना आसान था। आगे बात करते हैं, बोलते सीखो सीखो चीजों को समझो, क्या है टू मॉडल्स, क्या है सर यहाँ पे ब्रेकिंग ऑफ टू मॉडल्स, ब्रेकिंग ऑफ टू मॉडल्स, ऑफ टू मॉडल्स, दो मॉडल्स को कैसे समझना, जैसे बोर्ड पे ध्यान देना, जैसे लिखा है यहाँ पे y इक्वल टू मॉड x माइनस वन, मॉड x माइनस टू लिखा, अब इसको ब्रेक करना, कैसे ब्रेक करना चीज को समझना, एक चीज बता वैसे देखते रहना, कुछ करना वही स्टार्टिंग करना है, टर्निंग पॉइंट ढूंढ लिया करो, टर्निंग पॉइंट वाले कैसे करूंगा तो समझेगा नहीं सर, अच्छे से बताओ, मैंने लिखा x माइनस वन बराबर जीरो, देख x इक्वल टू वन आ गया टर्निंग पॉइंट, इसको मैंने नाम अगर ये समझ में इसका टर्निंग पॉइंट क्या होगा, माइनस टू बराबर जीरो, x बराबर दो, इसका भी आ गया टर्निंग पॉइंट, बोलेंगे थप्पड़ थप्पड़ दो है इसका थप्पड़ वाले को, ठीक है सर टर्निंग पॉइंट आ गया, अब करना क्या सुनो, लिखना कैसे सुनो, तो मैंने इसमें ऐसे लिखा, एक एक चीज को समझना, मैं इधर मॉड x प्लस, अब इसको तो ब्रेक करना है, अब इसको करना क्या है सर, देखो जो दे रखा है ना, जो सिखा रहा एक चीज को समझना, जो दे रखा है उसी को सीखना अच्छे से, सबसे बड़ा कौन ये है सर, जो सबसे बड़ा उसको नीचे लिखो, बड़े से बड़ा कैसे लिखा देख लेना, तमीज से गर्दन इक्वल टू लिखा है, बड़े से बड़ा इक्वल टू के साथ, सबसे छोटा कौन तो छोटे से छोटा इक्वल टू के साथ, पहले ये लिखना है कि नहीं पहले सोच लो अच्छे से, मैंने जो बोला कानों में ये बात कही है पहले देख, ठीक है मैंने बोला कभी भी इस तरह से आ जाए तो पहले बड़ा पॉइंट ले लो, बड़े को बड़े से बड़ा लिखो, छोटे पॉइंट को छोटे से छोटा लिखो, ये आ गया सर, बीच में कौन फंसेगा सर, उसके उनके से छोटा एक दो से बड़ा और उसके बीच का, सर समझ में आ गया क्या, इक्वल टू ऐसा नहीं लेना क्या, नहीं सर आपने ऑटोमेटिकली यहाँ और यहाँ, चलो बात कर, अब करना क्या सुनना, अभी जो सिखाया मैंने अभी सिखाया था कि टर्निंग पॉइंट से आप अगर छोटा वैल्यू लेते हैं तो मॉड हट करके माइनस आता है, चलो बताना जल्दी से, जल्दी जल्दी देखो इधर देखो, छोटो टर्निंग पॉइंट से छोटा ले रहा हूं ठीक है, थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ, आराम आराम से सोचना भाई साहब, गड़बड़ होगा आराम से बता देना सर, ये समझ नहीं आता ना, रोक करके आराम से पूछ लेना अपना डाउट, ठीक है रिपीट कर रहा हूँ, जब टर्निंग पॉइंट से छोटा लेते हैं तो वो वैल्यू नेगेटिव के साथ आती है, अच्छा तो सर ये तो इसके लिए कोई बता सकता है ना, इसका टर्निंग पॉइंट दो है, यहाँ पे लिख दो इसका टर्निंग पॉइंट एक, इतना बता सकते हैं एक और इसका दो, तो बताना ये टर्निंग पॉइंट दो है, दो से छोटा ले लो कि बड़ा ले लो, तो छोटा छोटा लेने का मतलब क्या आ गया, माइनस ऑफ x माइनस, नहीं समझ में आया फिर से एक बार अच्छे से समझ लिया, मैंने बोला भाई साहब हमने सीख रखा है कि टर्निंग पॉइंट से बड़ा लोगे तो पॉजिटिव आता है, टर्निंग पॉइंट से छोटा लोगे तो नेगेटिव आता है, तो मैंने बोला इसका टर्निंग पॉइंट तो वन है, मैंने बोला देख तो वन से छोटा लेगा बड़ा लेगा छोटा, इसलिए माइनस करा, इसका टर्निंग पॉइंट कितना दो है, इससे छोटा लेगा बड़ा लेगा छोटा ले रहा हूँ, कैसे सर ये वन है छोटा तो ले रहा, यानी वन से छोटा यानी ये भी, चलो सर समझ सर एक बात बताओ, वन से दो के बीच में, वन से दो के बीच में आपको वन से दो के बीच में क्या करना है, एक छोटा सा वैल्यू सोचना है, तो वन से दो के बीच में एक वैल्यू 1.5,
ले लिया 1.5, अब पूछना है वो 1.5 को लेके जाना है दोनों के पास में, देख लिया मैंने 1.5 लाया, टर्निंग पॉइंट से बड़ा है या छोटा, 1.5 इससे बड़ा है या छोटा, बड़ा है तो बड़ा होने पे पॉजिटिव, ये टर्निंग पॉइंट फिर इसके पास लेके गया, क्या उससे बड़ा या छोटा, छोटा है। सर ये समझ में आया, 1.5 आपने सोचा कैसे सर, आपके दिमाग में कैसा है, एक से बड़ा दूसरे छोटा 1.5 ले सकता हूं सर, मान लो 1.2 लिया तो भी वही आ जाना, ठीक है। आइए लास्ट केस क्या है सर, दो से बड़ा सोचो, दो से बड़ा मैंने बोला दो से बड़ा, ठीक है, टर्निंग पॉइंट क्या है तेरा 1, तेरे से बड़ा हो या छोटा, बड़ा, टर्निंग पॉइंट 2 उससे बड़ा है इसीलिए पॉजिटिव, ठीक है। लास्ट केस टर्निंग पॉइंट इसका 2 है, 2 से बड़ा ले रहा हूं तो ये भी पॉजिटिव, पहले चेक करें सही है या गलत एक बार, हाँ आराम से देख लीजिए, कोई डाउट है किसी स्टेप में मैं एक मिनट टाइम देता हूं, आराम से देखो एनालाइज करो आप कि सर ये चीज समझ में आया और ये चीज समझ में, सिंपल सा फंडा भाई साहब, टर्निंग पॉइंट से बड़ा तो पॉजिटिव, छोटा तो नेगेटिव, मैंने वही फंडा खेल दिया सर, आंसर और ये कैसे ब्रेक, कैसे छोटे से छोटा बड़े से बड़ा उनके बीच, ठीक है। चलिए अब इसी चीज को मैं थोड़ा आगे लिख देता हूँ ताकि ये फाइनलाइज हो जाए अच्छे वे में, कितना बता सकते हैं ये माइनस एक्स है और ये भी माइनस एक्स है, तो सर माइनस माइनस मिलकर माइनस 2x हो गया, ये माइनस माइनस मिलकर प्लस 1 और ये माइनस माइनस मिलकर प्लस 2, तो टोटल कितने हो गए बता सकते हैं, जल्दी बताओ, 3 सर, 3 सर, प्लस कर दे, ये कब हुआ था जब लेस देन मिल गया था, एनालाइज करो, ठीक है सर, ये वाला x और ये वाला x सही हो गया प्लस माइनस, सही है देखो माइनस वाला ये प्लस हो गया तो कितना आ गया भाई 1, 1 से 2 के लास्ट बता रहा हूं लास्ट सर, x प्लस x 2x और ये माइनस 1 माइनस 2 माइनस, अच्छा 2x माइनस ये आ गया 2 है दूसरा बड़ा, अच्छा ये हो गया सर आंसर आ गया, इससे पहले चेक करो कोई डाउट नहीं है, पहले देख लो कहीं कोई डाउट है सर, वहां x माइनस 1 होगा ना सर फर्स्ट वाले में, यस सर वो तो के इक्वल है, टर्निंग पॉइंट के इक्वल है, हां ना 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 अच्छा इक्वल रखोगे तो जीरो आएगा कि मत पॉजिटिव आएगा सोचो सर, क्या अगर x इक्वल टू 1 रख दिया तो वो तो जीरो दे देगा ना, यस सर, आपको इक्वल टू पे नहीं चेक करना है, उसके पीछे करना है, लेस देन बोल रहा है तो इक्वल टू को हटा के सोचना है, लेस देन माने 1 से छोटा, 1 से छोटा 0.9 को नेगेटिव दे दे, ठीक है। अच्छा सर एक बात बताओ, ये अब मैं इसको ऑब्जर्वेशन दिखाता हूं, ऑब्जर्वेशन एक बात तो मैंने भी सोचा सर, ये टर्निंग पॉइंट कंसेक्यूटिव है क्या 1 और 2, यस सर कंसेक्यूटिव है, एक कभी भी टर्निंग पॉइंट कंसेक्यूटिव हो बीच में प्लस और इन दोनों का बीच का माइनस माइनस चल रहा हो, रिपीट कंसेक्यूटिव बीच में प्लस, तो करना क्या है बड़े से बड़ा लिख लो, बड़े से बड़ा आंसर आएगा ना, वही छोटे से छोटा का माइनस आ जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई करो माइनस 2x माइनस 3 और बीच वाला इन दोनों का दो में से एक जाती नहीं सर समझ नहीं आई, बात फिर रिपीट बड़े से बड़ा लिखो, बड़े से बड़े जो आंसर आएगा उसी के लिए छोटे से छोटे माइनस, छोटे से छोटे इसी का माइनस करके छोटे से छोटा बन गया, इसके लिए दो में से ही आंसर, कोई डाउट कहीं पूछो, नहीं समझ नहीं आ रहा है आया क्या, तो ये बस कंसेक्यूटिव होगा, बिल्कुल बिल्कुल कंसेक्यूटिव के लिए होगा, नहीं क्वेश्चन देता हूं अभी आपको ट्राई करना है, पहले बताओ कंसेक्यूटिव पहले समझ में आया ये बातें, यस यस सर, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सिक्यूटिव पे कहीं दिमाग कर रहा, अगर दूसरे क्वेश्चन में मान लो यहाँ माइनस दे रहा, यहाँ एक्स माइनस वन और यहाँ माइनस ऑफ एक्स माइनस टू, तो कॉन्सिक्यूटिव के लिए वो वैलिड नहीं होगा फिर, क्योंकि बीच में आया मैंने बोला था प्लस और कॉन्सिक्यूटिव, बीच में माइनस माइनस चले गया, ठीक है। एक क्वेश्चन देता हूँ जल्दी से ब्रेक कर देता हूँ, मैं क्या लिख रहा हूँ क्वेश्चन, बच्चे ट्राई करेंगे, बच्चे आज ही तोड़ के दिखाओ जल्दी, बन गया क्या
नहीं बना क्या सर x लेस देन जीरो के लेस देन इक्वल टू जीरो के लिए होगा माइनस ऑफ टू एक्स माइनस वन और x ग्रेटर देन जीरो और लेस देन वन के लिए होगा वन और x ग्रेटर देन इक्वल टू वन के लिए होगा टू एक्स माइनस वन. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. आइए ना बच्चे समझ पाए बहुत ही अच्छा. नहीं समझ पाए और अच्छे से देखो. इसका टर्निंग पॉइंट आ गया जीरो, इसका टर्निंग पॉइंट आ गया वन. ठीक है इसको ब्रेक करता हूँ. टर्निंग पॉइंट बड़े से बड़ा लिख दिया और बस उसी को सोचना है. इसी पहले आंसर निकाले तो उसका माइनस लगा ऊपर कर देंगे. वन से बड़ा सोचा, टर्निंग पॉइंट से बड़ा, इसका टर्निंग पॉइंट जीरो है और मैं वन से बड़ा सोच रहा हूँ. जीरो से तो बढ़ाइए ना, ये पॉजिटिव. अच्छा अगला क्या सर, टर्निंग पॉइंट वन है और ये इसका भी टर्निंग पॉइंट, सॉरी इसका वन से बड़ा सोच रहा हूँ, इसका टर्निंग पॉइंट वन है. टर्निंग पॉइंट से बड़ा सोच रहा हूँ, छोटा बड़ा सोच रहा हूँ, प्लस है. ठीक है जो आ गया इसी के ऊपर माइनस लगा दो. माइनस ऑफ यहाँ लिख दे रहा हूँ एक्स प्लस ऑफ एक्स प्लस सॉरी एक्स माइनस और इसके लिख दे रहा है लेस देन इक्वल टू जीरो. छोटा टर्निंग पॉइंट जीरो, इनके बीच का जीरो से बड़ा वन का, इसके बीच का गैप बता दो. फाइनल आंसर आ गया भाई साहब, तभी तो देख लो टू एक्स माइनस वन माइनस टू एक्स प्लस. यहाँ क्या गया सर टू एक्स माइनस, यहाँ क्या गया सर लेस देन इक्वल टू, यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू और ये क्या गया सर सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू वन. यहाँ गया जीरो से बड़ा और ये वन से छोटा, इसके बीच का आंसर बना. कोई डाउट कहीं पे जल्दी से देखो और आंसर. चलो जल्दी बताओ क्या तोड़ना आ गया सभी को. चलिए ठीक है बहुत ही बढ़िया. तो ब्रेक करना इस तरह से आपको आना चाहिए. क्यों सर क्यों आपने ऐसा लिखा, इसलिए लिखा है कभी भी मॉड का क्या होगा ना एक टुकड़ा देकर किस तरह से बात करेगा उसको. ग्राफ बनाने के लिए इंपॉर्टेंस है, इसीलिए आपको मैंने सिखाया कि ब्रेक कैसे करो. ठीक है फिलहाल आइए अब जल्दी से फटाफट देख लेते पॉइंट. सर म्यूट हो गया, सर म्यूट हो गया, सर म्यूट हो गया. सर आपका वॉइस नहीं आ रहा. ठीक है ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन क्या होगा पहला पॉइंट देखते हैं चीजों को समझना. जैसे वाई इज इक्वल टू दिया मैंने मॉड एक्स. सीरियसली ग्राफ की बात करूं डायरेक्टली इसको ब्रेक भी करने को लगना नहीं, बस इसका टर्निंग पॉइंट ढूंढो. इसका टर्निंग पॉइंट आ गया जीरो. अब क्या करना है जीरो पे जाके खड़ा हो जाए. नंबर लाइन लिखें ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है. एक्स एक्सिस होगा सर वैल्यू जो है जीरो. जीरो पे जाके खड़ा हो जाए ये एक्स इक्वल टू जीरो और वी बना दे वी. ये लो सर सिखाया तो समझ में आया मैंने क्या बोला कि सर टर्निंग पॉइंट पे जाके खड़ा हो जाए वी बनाए थे. किसके टर्निंग पॉइंट पे सर, अरे मॉड वाले का. सर को बता सकते हैं डोमेन कितना है. आर आर सर जीरो से इनफिनिटी. देखिए अगला क्वेश्चन जल्दी से करने से ग्राफ कैसा होगा कोई बताएगा कहाँ पे खड़ा हो जाऊं. वन पे सर वन पे सर दिखेगा वन इधर होगा या इधर होगा. इधर होगा क्या बनाना है सर दिखा क्या. चलिए इसका डोमेन बताओ जल्दी से. डोमेन डोमेन आर होगा सर. चलिए डोमेन आ गया. रेंज बता सकते हैं रेंज जीरो से इनफिनिटी. और कोई बताएगा रेंज वन से इनफिनिटी. अरे नहीं ये जीरो ही है इसीलिए बोला था. और कोई बताएगा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. ये एक्स एक्सिस है ना ये तो जीरो है. अरे ये वाई को भी रेंज की वैल्यू वाई होती है. वन से इनफिनिटी का मतलब यहाँ होना चाहिए ऐसे ये वाला है. ठीक है चलिए कोई बात नहीं आपने सीखा. चलो इसको नोट कर जल्दी से. अच्छा एक ग्राफ तुमको बनाओ जल्दी से. y इज इक्वल टू मॉड x माइनस प्लस 3 लिखो. ग्राफ डोमेन रेंज सब कुछ. बन गया क्या. यस सर. किसी का फोटो ऐसा आया क्या. यस सर. चलिए डोमेन को देखिए. डोमेन सर डोमेन x belongs to R रेंज 0 से इनफिनिटी. अच्छा एक बात कॉमन क्या सर. कॉमन सब में ये समझ नहीं आ रहा. कॉमन को बताओ कॉमन का क्या मतलब है. कॉमन का मतलब है सर इस तरह का फंक्शन है मॉड के अंदर. मॉड के अंदर सिंगल मॉड की बात करो. सिंगल मॉड डबल मॉड की मतलब सिंगल मॉड का क्वेश्चन रहेगा चाहे 0 हो यहां पे चाहे 1 हो यहां पे चाहे +3 हो.
प्लस हो माइनस हो या कुछ भी नहीं होना, तीनों फंक्शन डोमेन और रेंज इक्वल होता है। डोमेन सबका बाहर है, डोमेन सबका बाहर है, डोमेन सबका बाहर है। सर रेंज भी सेम है, रेंज कितना है, 0 से इनफिनिट, 0 से इनफिनिट, 0 से। कोई डाउट है तो पूछे, तो रिमार्क में ये जरूर लिखना है, पहले लिखो। ग्राफ बेसिकली क्लियर सर, और डोमेन रेंज भी सेम, ठीक है। मैं इसको डिलीट कर रहा हूं, अगला पॉइंट क्या है जल्दी से समझते हैं, क्या है सर पॉइंट। तो रिमार्क में ये बातें जो हमने सीखा अभी अभी ताजा ताजा उसको देख लेते हैं। रिमार्क क्या, पहला पॉइंट कि y इज इक्वल टू कभी भी मॉड के अंदर में फंक्शन के साथ में प्लस माइनस लगा दे, ठीक है, सीधा लिख देता हूं, डायरेक्ट आपको कंफ्यूज नहीं करता। x प्लस माइनस a कर दो, a वेयर a क्या सर, a बिलोंग्स टू रियल नंबर है, बट कैसा है यहां पे समझना, पॉजिटिव ले लेना, कुछ भी चलेगा, ठीक है, कुछ भी लेना समझना। तो पहला पॉइंट क्या है, डोमेन, डोमेन ऑफ द फंक्शन इज r, बट रेंज ऑफ द फंक्शन इज व्हाट, 0 से इनफिनिटी। याद रखना अच्छे से, रेंज के क्वेश्चंस के टाइम में बहुत ही काम देगा, उस समय नहीं बताऊंगा किसका रेंज क्या होगा, आपसे तो डायरेक्ट पूछ लूंगा, लिख दो। चलिए सर ये भी समझ में आ गया कि डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, इस तरह से हमने क्वेश्चन को समझा। आगे बात करते हैं, तो सर ये सिंगल मॉड का क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंगल मॉड, तो सर डबल मॉड क्या करते, सर ग्राफ कैसे बनाएंगे, ग्राफ भी आएगा और उसका डोमेन रेंज भी आएगा। चलिए बात करते हैं डबल मॉड का क्वेश्चन, ठीक है, ग्राफ ऑफ टू मॉडल्स, ग्राफ ऑफ टू मॉड, देखो चीजों को सीखना अच्छे से, पहले क्या करूंगा एक कंसेक्यूटिव ले लूंगा, सुना एक पहले कंसेक्यूटिव लूंगा दूसरा नॉन कंसेक्यूटिव लूंगा, पहला ग्राफ दे रहा हूं y = mod x + mod x - 1, सभी लोगों ने समझ लिया जैसे ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ब्रेकिंग सबको आता है, इसमें कोई शक नहीं, यहां पे टैलेंट में सब है ना, डाउट नहीं करना, इसका ब्रेकिंग आता है, मैं टर्निंग पॉइंट से पूछता हूं, इसका टर्निंग पॉइंट 0 है, इसका टर्निंग पॉइंट 1 है, क्या करेंगे सर, एक बात बताओ, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ग्राफ बनाना शुरू, एक एक चीज को समझो, ठीक है, कैसे करना है सर ये बताओ, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस, करना कुछ नहीं, टर्निंग पॉइंट कितना 0 और 1, ये x की वैल्यूज है, x की वैल्यूज है, तो ये आगे टर्निंग पॉइंट, ये देखो सर 0, ये देखो सर 1, अब कुछ नहीं करना, 0 और 1 मार्क कर लिया, मार्क करने के बाद कैसे ग्राफ बनाना है सुनना अच्छे से, सीख लो, रिपीट कर रहा हूं, इसे सीधा सीख भी लेना अच्छे से, रिवाइज भी कर, 0 रखा ये 1 रखा, और x का वैल्यू 0 रखो, रखो 0, y का वैल्यू बताओ, यहां पे लिखा एट x इक्वल टू 0 y विल गेट 1, सही है गलत जरा जल्दी बता, नहीं आया सर, हम लोग कुछ देर पहले कॉमा में थे सर और अभी जागे हैं, सही है क्या, यस सर। चलिए अगला पूछ रहा हूं, एट एक्स इक्वल टू 1 पे वाई इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1, मैं इसको लिख रहा हूं वाई इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 1 प्लस मॉडुलस ऑफ 1 माइनस 1 इज इक्वल टू वाई इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 1 इज 1, चेक करो वाई इक्वल टू वैल्यू कितना आ गया 1, ठीक है, पुट कर करके लिखना है, जीरो रखने पे सर वन आया, सर वन रखने पे भी वन आया, तो ये देखो सर मार्क कर लो, मार्क ऐसे मार्क करो, मिल गया दोनों पॉइंट, जो रखा वो मिला, उन दोनों को मार्क करो, दोनों को मिला मिला दिया, और कुछ नहीं करना, वी बनाना है, वी कैसे बनेगा, ये और इधर सर ये लो, समझ में आ रहा क्या करा मैंने, समझ में आया कि नहीं आया ये, हाँ बताओ भाई, यस सर, ठीक है, चलो अब जल्दी से बताना, ये आ गया ग्राफ, कितने लोग बता सकते हैं इसका डोमेन, डोमेन x belongs to r सर, डोमेन आ गया, रेंज बताया को, रेंज रेंज सर 1 से इनफिनिटी, 1 से कॉपी करो, चलिए जल्दी से देखो इसको, ये कंसेक्यूटिव के लिए ग्राफ ऐसे ही बनेगा, नॉन कंसेक्यूटिव के लिए ग्राफ थोड़ा चेंज हो जाएगा भाई साहब, ये सब चीजों को समझ लेना, फिर रिपीट कर दूंगा, पहले समझ लो, हटा दो हटा दो, चलिए चीजों को समझना अच्छे से, इग्नोर मत करना, अच्छे से समझो, क्या लिखो पॉइंट नंबर 2, देखना अच्छे से, y इज इक्वल टू इसका ग्राफ बनाना है x माइनस 1 ऑफ x माइनस 2, जल्दी से ग्राफ बनाओ, रेंज और डोमेन बताओ, डोमेन दूसरा रेंज बताओ, ग्राफ बनाओ, डोमेन रेंज बैठो,
सर सेम ग्राफ और डोमेन आर एंड ग्राफ सेम बन गया क्या? यस सर सेम ग्राफ सेम है सर। इसका टर्निंग पॉइंट 1 है, इसका टर्निंग पॉइंट 2 है ना, टर्निंग पॉइंट 2 है। ग्राफ सेम तो नहीं है बट थोड़ा बहुत आगे पीछे, ठीक है। 1 रखने पे देखना, 1 रखने पे ये 0, 1 रखने पे ये 1 देगा, तो यही 1 पे बन गया। 2 रखने पे ये 0 दे दिया, ये 2 माइनस 1 1 मिला, यानी यहां पे दोनों को मिला दीजिए और दोनों को बी बना दीजिए, ठीक है क्या? अरे ये बोट है, बोट बोट नाउ ग्राफ नाउ, ठीक है। कभी चढ़ाएगा भी नाउ? नहीं सर हम लोग नहीं है, हाँ रिंग बताओ, रिंग डोमेन बताओ, डोमेन डोमेन एक्स बिलोंग्स आर और रिंग 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 वन से इनफिनिटी। हाँ वन से इनफिनिटी। अच्छा एक बात बताओ सर, एक सवाल बन रहा है, मैंने ये बोला कि सर बात बताओ कि मॉडुलस का फंक्शन हो चाहे वो सिंगल मोड हो चाहे वो डबल मोड हो, एक बार कंफर्म हो गया सर किसका डोमेन आ रहा है, नहीं आया पकड़ में? तो रिमार्क में ये बात है, यस सर रिमार्क में, आज से आपको याद रखना है ना। काम की बात में क्या है कि द डोमेन ऑफ मॉडुलस फंक्शन ऑलवेज x belongs to R, ध्यान रखना चाहिए x belongs to R, ठीक है। जिसका जिसका डोमेन x belongs to R आते जा रहा, हम लोग एक बार ऐसा करेंगे कि स्ट्राइक भी कर लेंगे और उसका एक नया नाम दे देंगे, क्वेश्चंस पे आएंगे तो बात करेंगे। फिलहाल इसको ग्राफ को समझ में आ गया, चलो भी ग्राफ समझा। पॉइंट नंबर 3 का अच्छा, लेकिन बात सर अगर डोमेन इसका x belongs to R है तो क्या रेंज भी हो गया? नहीं ऐसा नहीं है, बट रेंज ऑफ मॉड फंक्शन डिपेंड ऑन द गिवन फंक्शन, डिपेंड ऑन द गिवन फंक्शन, डायरेक्टली इसका R नहीं बोलेंगे, डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑन द गिवन फंक्शन। चलिए आगे बात, सर म्यूट हो गया सर, आवाज नहीं आ रहा। हेलो, हाँ आवाज आ रही है सबको? यस सर। सर डिपेंड ऑन क्या लिखेंगे? डायरेक्ट थर्ड सुनना अच्छे से, एक चीजों को समझना। व्हेन मतलब फंक्शन जिसमें विदाउट मोड प्लस मोड का है, यानी इस तरह का क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, इसका ग्राफ कैसे बनेगा सुनना। कभी भी फंक्शन एक विदाउट मोड में हो और एक मॉड पे हो, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका डोमेन रेंज कैसे निकलेगा, हर चीज को हम लोग समझेंगे। अच्छे से तो एग्जांपल से समझते हैं। अच्छा यहां प्लस से या माइनस भी हो सकता है क्या? हां प्लस और माइनस दोनों हो सकता है सर। एक बात का मल्टीप्लाई भी हो सकता है क्या? हां वो भी हो सकता है सर। डिवाइड भी हो गया? हां डिवाइड हो गया। यस सर एग्जांपल दे दो थोड़ा अच्छा लगे। मैंने बोला ठीक है, मैंने fx इक्वल आपके सामने लिया gx माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ fx, चलेगा बिल्कुल दौड़ेगा तो ठीक है। एक एग्जांपल और, fx इक्वल टू gx अपॉन mod x या mod x, mod x ठीक है। अच्छा यहाँ हो सकता है सर mod hx ऊपर आ जाए या gx नीचे आ जाए। तीसरा सर fx equal to, ध्यान समझना, ये division हो गया gx into modulus of hx, ये multiply हो गया। तो अपने को क्या करना ना, इस तीन तरह का और ये चार तरह का ग्राफ कैसे बनता है, इंपॉर्टेंट है, लिख दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है ठीक है। पहले कॉपी करो, ग्राफ तो बनता है, कैसे ग्राफ बनाना है, कैसे टैकल करना है, ध्यान से। ठीक है देखना अच्छे से, एक ही चीज को समझना। हाउ टू प्रोसीड कैसे करेंगे, हाउ टू सॉल्व देखना यहाँ पे, हाउ टू सॉल्व ठीक है। स्टेप नंबर 1 सुनो अच्छे से, बात को ध्यान देना ठीक है क्या? ब्रेक द मॉड फंक्शन ओनली विदाउट टचिंग
without touching value of x, without touching value of without mod, without, only repeat the wrong, break the mod function only without touching, without touching the function which is not in loop, not in mod. देखना मैंने कोशिश करा है फारसी में समझाने का, लेकिन हिंदी में समझेंगे, आपकी भाषा ही बहुत अच्छा है, सुना जैसे मैंने क्या बोला, ब्रेक करो मॉड को, ऐसे ब्रेक करो कि भाई सामने वाले को छूना नहीं है जो मॉड में नहीं हो, सर ये मॉड में इसको तोड़ना है, इसको क्या करें, उसको छूना भी नहीं भाई साहब, लपड़ लगेगा, फिर से रिपीट करो, इसको छूना भी नहीं है, सर इधर बताना, ये मॉड में है, इसको तोड़ूंगा, इसको छू सकता हूँ, नहीं सर देखो ये मॉड में, इसको तोड़ू, हाँ इसको छू सकता हूँ, नहीं सर यहाँ देखो इसको तोड़ सकता हूँ लेकिन इसको छू नहीं सकता, यानी जो करना है ऐसे सर बाजू वाले को देखना भी नहीं है। चलिए जल्दी से लिखेगा, जल्दी आराम से बात करते, तो यहां तक में किसी को कोई डाउट है तो आराम से पूछे, नहीं तो मैं ग्राफ जब क्वेश्चन खिंचवाऊंगा तो आपको समझ में आना चाहिए और उसका डोमेन और रेंज दोनों निकल के आना चाहिए, ठीक है बात करते। पहला क्वेश्चन लेते हैं, पहला क्या लेते हैं, दोनों को समझते हैं, पहला क्वेश्चन देखिएगा आपके बोर्ड के यानी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ y = लिखा आपके सामने x plus of mod of the surface, ये कैसा क्वेश्चन है, अरे देखो पहचानो, देखिएगा आप लोग कि सर ये विदाउट मॉड का क्वेश्चन और एक मॉड का क्वेश्चन, मैंने स्टेप कैसे सिखाया कि भाई ब्रेक करें, किसको ब्रेक करें, मॉडुलस को, बाजू वालों को टच करना नहीं, बिल्कुल भी नहीं, छूना भी नहीं, देखना भी नहीं है, पड़ोसी है भाई सब छोड़ेगा ना, छेड़छाड़ नहीं करना, भड़क जाएगा वो बेचारा, क्या करना है सर, कैसे स्टेप करना, मैंने बोला भाई सब तेरे पता जल्दी से, टर्निंग पॉइंट क्या है, टर्निंग पॉइंट जीरो है, कैसे पता चला, मैंने बोला अंदर वाले को जीरो कर देते हैं, मैंने बोला ठीक है लिखा, तो y = x + mod x लिखा, जैसे ही लिखा भाई साहब मेरे को पता चल गया इसका थप्पड़ जीरो था, जीरो से बड़ा जीरो से छोटा, अब जल्दी सुनना एक एक बात को सुनना, क्या जीरो से बड़ा सोचेंगे तो क्या इसको छुएंगे क्या, नहीं पहले इसको लिख दो, ये बेचारा कुछ नहीं कर रहा, आपने तोड़ा सिर्फ मॉड, आगे बात जीरो से बड़ा, टर्निंग पॉइंट से बड़ा तो ये प्लस एक्स, नहीं आया समझ में, टर्निंग पॉइंट से छोटा तो माइनस, भाई पहले यहां तक देख लो, कोई डाउट है तो पूछो जल्दी से बताओ, कोई डाउट है, नो सर, नो सर, ठीक है, आप कितना बता सकते हैं कि सर अगर इसको सिंपलीफाई कर दूं तो ये कितना आएगा, ये सर एक्स प्लस एक्स टू एक्स, दो एक्स तब जीवन में है ना, यहाँ पे जीरो से बड़ा, सर x माइनस एक्स जीरो, जीरो कब धारा से पृथ्वी लोक पे जब जीरो से छोटा, बहुत ही बढ़िया सर ग्राफ बना, अब ग्राफ बना, बहुत मैं वापस इसको स्थानीय लिख दूं, यहां पे y इक्वल आपको मिल गया, यानी आपने जो y इक्वल x + mod x का ग्राफ यानी बनाने से पहले जो ब्रेक किया वो मिला है 2x जब x जीरो से बड़ा, जीरो जब x छोटा, आइए सब लोग मिलकर ग्राफ बनाते हैं, जल्दी से देखेंगे y है इधर x है, कितने लोग बता सकते हैं कि x जीरो या जीरो से बड़ा इधर होगा या इधर होगा, इधर होगा, ठीक है, जीरो से छोटा पे किधर होगा, आइए कितने को पता चला y = यानी जीरो से बड़ा लेने पे y = x का ग्राफ है या y = 2x का है, y = 2x का है, अब किसको किसको पता y = 2x का ग्राफ कहां से पास करेगा, जीरो से, जीरो से, 2 से सर, अरे हम कॉमा में है सर, अभी भी आपको नहीं पता चला, ऐसा ग्राफ होता है क्या, तो सर y = 2x का होता है सर, हां सर आप मजाक कर रहे हो, ठीक है बोला था क्वेश्चन, क्या y = x का ग्राफ इस तरह से होता है, यस सर, ठीक है, अब यहां पे 2 रखा हूं पॉजिटिव स्लोप के लिए तो ग्राफ ऐसे ही जाएगा ना, लेकिन क्या नीचे ले सकता हूं क्या, नहीं ले सकता क्योंकि ये 0 से छोटे के लिए होगा, और ये आइए तो ग्राफ हमने देखा 0 से बड़े के लिए ये वाला, 0 से बड़े के लिए y = 2x का ग्राफ ऐसा, ये है सर y = 2x, कितने लोग बता सकते हैं कि सर जीरो से छोटे के लिए, जीरो से छोटे के लिए y = कितना मिला, जल्दी बताओ, जीरो, अच्छा y = जीरो कहां होता है, x एक्सिस पे या y एक्सिस पे, x एक्सिस सर, x एक्सिस पे, तो ये डार्क कर देना बस, ये डार्क, ये है आपका ग्राफ पूरा, ये है आपका y =
जल्दी से देखें, कहीं कोई डाउट है तो पूछे, हम जो पूछूंगा वो बता रहा हूँ। कितने बता सकते हैं यहाँ पे कि पहला पॉइंट जो पूछ रहा हूँ ग्राफ देख के डोमेन बताओ। चलो बिलोंग्स टू आर, डोमेन को आर है सर, रेंज मतलब रेंज 0 से 90 ठीक है। डोमेन तो बच्चा बच्चा देख के बता देगा, पॉलिनोमियल है सर डोमिनार, मॉड है सर डोमिनार, तो डोमेन तो आर होगी। रेंज के लिए आपको ग्राफ बनाना पड़ा, याद रखना इसको, जल्दी से नोट करो, एक ग्राफ मैं देता हूं पूरा, कहीं भी किसी तरह का डाउट है पूछना। मैंने फिर से बोला आपको, रिपीट कर रहा हूं, कानों में ये बात डाल लो कि जिस समय एक पॉलिनोमियल फंक्शन हो और एक मॉड फंक्शन हो, ये रूल हमेशा के लिए है, चाहे आज पॉलिनोमियल का हो सकता है ट्रिगो हो और दूसरे मॉड में ट्रिगो हो, मॉड वाले को जब आप तोड़ते हैं तो बाजू वालों को छेड़छाड़, वो सिर्फ उसका कंडीशन ना कि बाजू वाले, ठीक है। आइए अगला पॉइंट, अगला ग्राफ आप बनाएंगे और मैं ग्राफ देखना चाहता हूं कौन बनाएगा, देखो जरा। सर डोमेन और रेंज दोनों आर होगा, हो गया क्या, बन गया क्या? यस सर। चलिए चलिए चलिए, कितने बता सकते हैं इसको ब्रेक करना, ये टर्निंग पॉइंट दिखा, टर्निंग पॉइंट को ब्रेक कैसे करते हैं सुनना अच्छे से, जीरो से बड़ा जीरो से छोटा, जैसे जीरो से बड़ा सोचूंगा ये चिल्लाएगा पॉजिटिव एक्स, एक्स इनटू पॉजिटिव एक्स सर, जैसे जीरो से छोटा होगा तो सर ये एक्स तो रहेगा ही रहेगा और ये माइनस एक्स, कोई डाउट है कहीं पे अच्छे से देख लो, वापस से मैं लिख रहा हूँ इसको, एक्स इंटू मॉड एक्स मिला क्या सर, एक्स स्क्वायर नीचे वाला माइनस एक्स स्क्वायर, जीरो से बड़ा और ये जीरो से छोटा, ठीक है क्या। ग्राफ की बात करेंगे, कितने को पता चल रहा है कि जीरो से बड़ा इधर होता है, ठीक है, जीरो से छोटा इधर होता है। चलिए मैं जो बात करूंगा सुन रहा हूँ, मैंने बोला जब जीरो से बड़ा सोच रहे हैं आप तो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ पूछना है, अच्छा वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ होता है क्या? यस सर, यू टाइप का, ऐसा 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 दिखा किसी को? यस सर। सर इधर क्यों नहीं बनाया, मैंने बोला भाई इधर इजाजत नहीं है क्योंकि जीरो से छोटा के लिए ये चिल्ला रहा है माइनस, अच्छा पहले तो बता दूं x स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता भाई, जिसको नहीं आता चले, और y इज इक्वल टू माइनस x स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता भाई, ये लो बस, ठीक है। अब बात यहां पे ये आ रही है कि सर जीरो से छोटे के लिए ग्राफ किसका बनेगा सर, नीचे वाले का माइनस x स्क्वायर कैसे बनेगा, तो इधर वाला बनाओ ना उधर वाला, सर उधर वाला क्यों सर, ये जीरो छोड़ो ग्राफ ऐसा, चेक करें, अरे कोई तो बोल दो क्या आंसर सही बनाए। यस सर सही है सर। चलो तो जल्दी से बता रहा, अगर सही है तो डोमेन बता, चलो डोमेन आर होगा सर, आर रेंज 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 आर सर, कॉपी करें। जल्दी से इसको कॉपी करें, चलिए मैं इसको रफ कर रहा हूं। तो इस तरह के ग्राफ आप आराम से टैकल कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, आप आराम से इसको बना सकते हैं। चलिए ये उम्मीद मैं कर सकता हूं आपसे।
चलो देखना आगे क्या करना है सर, ये हमने ग्राफ वगैरह सीख लिया। चलिए एक होमवर्क दे रहा हूँ इस तरह क्वेश्चन का, आप जरूर ट्राई करेंगे ठीक है। वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ एक्स, है ना, ये होमवर्क दे रहा हूँ इनके लिए बना लेना ठीक है। इसको लिख लो पहले, इसको ट्राई करना, आपको क्या फाइंड करना बता रहा हूँ, आपको फाइंड करना डोमेन, दूसरा फाइंड करना रेंज, दो चीज फाइंड करना ठीक है। चलिए अब ये खत्म होता है, आगे बढ़ते हैं ठीक है। तो मॉडुलस फंक्शन के बारे में हमने ब्रेकिंग सीखा, उसके डोमेन और रेंज के बारे में सीखा, अब हम लोग इनइक्वालिटी का क्वेश्चन करते हैं, इसके डोमेन के बारे में बात करते हैं और अच्छे से ठीक है। मॉडुलस के बारे में हमने बहुत पहले ही बात कर लिया था, स्टार्टिंग के बारे में, स्टार्टिंग में हमने क्वेश्चंस कर लिया था, इसके डोमेन का क्वेश्चन कैसे निकलता है, लेकिन फिर भी है ना एक क्वेश्चन जरूर करेंगे हम लोग ताकि अपने को समझ में आए ठीक है क्या। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट, दो क्वेश्चन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डोमेन है ना, प्रॉब्लम बन गया सर, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मॉडल, मॉडुलस फंक्शन ठीक है। एक एक चीज को समझना भाई, पहला लिखवा ठीक है, पहला लिखवा रहा हूँ इक्वालिटी का, किसका इक्वालिटी का, पहला टाइप वन, दो टाइप होगा तीन टाइप फटाफट कर लेते हैं, पहला इक्वालिटी टाइप, इक्वालिटी ठीक है, दूसरा ले लेता हूँ यहाँ पे, हाँ पहले दूसरा इक्वालिटी का लेते हैं, इक्वालिटी का मतलब साइन होता है इक्वल, इक्वल का साइन होता है भाई समझता, जैसे क्या मतलब है देखो, पहला क्वेश्चन करो आप क्या होगा सामने, मॉड एक्स स्क्वायर, अच्छी बात बता दू जल्दी जल्दी से, ये तो सही है सर, ये सब सही है, बिल्कुल सही है, अच्छा ये सब मैंने पढ़ा था क्या, जल्दी से बता, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, क्या होता है पढ़ाया था, बताया था, बताया था मैंने, अरे मॉड एक्स होता है, मॉड एक्स भूल गए सब कुछ, यस सर हाँ, अरे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिखा हुआ अंदर में देखो अच्छे से, मिक्स नहीं, यस सर हां टू साइन थीटा इनटू कॉस थीटा, अरे बाहर आके क्या देखा बोलो, मॉड में साइन थीटा, मॉड में कॉस थीटा, कॉपी कर लो, कॉपी कर लो ना तुम लोग, ये समझा अच्छी क्लास देते हो, इसको भी छाप देना, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन कितना आएगा कौन बताएगा जल्दी से सर, मॉड अंडर एक्स माइनस वन, मॉड एक्स माइनस वन, कॉपी करें, ये सब पता है आपको, ध्यान में रखना है। चलिए पैरेलल इसको भी ध्यान में रखना है कि मॉड एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू इक्विवेलेंट टू द एक्स स्क्वायर, ये सब पढ़ा रखा है, लेकिन आप कभी भी ऐसा नहीं कहेंगे कि सर मॉड एक्स बराबर में कितना एक्स स्क्वायर, ये बराबर नहीं कहेंगे, कॉपी करें, ठीक है आइए बात करते हैं। ठीक है अब लिखते हैं प्रॉब्लम ऑफ मॉडुलस, प्रॉब्लम ऑफ मॉडुलस, क्या मॉडुलस का प्रॉब्लम होगा समझता है, एक बात पहला टाइप वन ले लेता हूं, इक्वालिटी बेस्ड ऑन इक्वालिटी, बेस्ड ऑन इक्वालिटी, कैसा वाला इक्वालिटी, अच्छा समझता चीजों को, पहला क्वेश्चन दे रहा हूं मॉड एक्स बराबर कितना लिखा, पांच, पता है एक्स का वैल्यू क्या क्या आएगा सर, प्लस माइनस फाइव, बहुत बढ़िया, ये सब क्वेश्चन में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट करके निकल जाएंगे, जल्दी बोलो कितना, प्लस आएगा, चलो सुनो 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 बात देखो, चीज मैंने पढ़ा रखा ये सब चीजें, रिपीट करता हूँ, मैंने बोला था कि स्टार्टिंग में वो सब बातें बताऊंगा, मॉड बड़े वाले मॉड को हटाओगे ना ये प्लस माइनस चार देगा ठीक है, अब यहाँ से एक आंसर नहीं आएगा, दो आंसर आएगा, कैसे सर, एक आएगा सर मॉड एक्स माइनस वन, माइनस वन इक्वल टू चार, दूसरा आ गया मॉड एक्स माइनस वन, माइनस वन इक्वल टू माइनस, अभी एग्री कर रहे हैं बात को, अब यहाँ से अगला क्या स्टेप होगा सुनना, मैं इसको ओपन लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, तो पहला आंसर आ गया मॉड एक्स माइनस वन इक्वल टू माइनस वन, माइनस वन इक्वल टू चार, ठीक है माइनस वन इक्वल टू चार, तो मॉड एक्स माइनस वन इक्वल टू कितना आ गया पांच, तो एक्स माइनस वन बराबर प्लस माइनस पांच, यहाँ से पहला आंसर, दूसरा आंसर निकलते आएगा, देखा अच्छे से mod x minus 1, minus 1 is equal to minus 4, इधर लिखो, mod x minus 1 is equal to कितना आ गया, minus 3, not possible, पता चला क्यों not possible? Sir, mod minus नहीं देता, हाँ, mod positive और ये negative, not possible, ठीक है, तो यहाँ से आंसर कितना आ गया, x is equal to कितना,
वन प्लस माइनस पांच, एक बार प्लस करोगे ना तो ये छह देगा और एक बार माइनस करोगे तो माइनस चार। दिस इज योर आंसर, ठीक है कॉपी करें। तो ये इक्वालिटी के छोटे मोटे क्वेश्चन है, तो आप समझेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट संबंध है, रिमार्क लिखो जल्दी से। रिमार्क में क्या है, अगला पॉइंट लिखना है इसमें। रिमार्क का पॉइंट जो आप भी जानते हैं, कभी भी लाइफ में मॉड के अंदर कोई फंक्शन फंसा हो और वो फंक्शन एज इट इज बाहर आ जाए, एज इट इज बाहर आ जाए लेकिन माइनस साइन के साथ में, तो यूज क्या करना है, यूज करना है एफ एक्स लेस देन जीरो, पहला पॉइंट। और मान लीजिए कि सर एफ एक्स मॉड के अंदर फंसा है और एज इट इज बाहर आ जाए विदाउट माइनस, तो यूज करना है एफ एक्स जीरो। ये कैसे हुआ सर, ये बताओ, ये छपाओ मतलब बताओ कैसे हुआ। मैंने ये बोला कि देखो आपको पढ़ा हुआ है मॉड एक्स बता रहा है, सुनना अच्छे से, मॉड एक्स का टर्निंग पॉइंट कितना है सर, टर्निंग पॉइंट जीरो है। तो मैंने बोला कि जीरो से बड़ा लोगे, जीरो से छोटा लोगे, तो जीरो से बड़ा लोगे तो ये कैसा आया पॉजिटिव एक्स, और नेगेटिव एक्स आता है जीरो छोटे लेकर, मतलब क्या हुआ सुना, यानी अंदर वाले पार्टी को अगर आप पॉजिटिव बता रहे हैं तो एज इट इज बाहर आ रहा है, और उल्टे सब तो ये बोलूं कि एक्स अंदर में बैठा है मॉड में और वो एज इट इज पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब एक्स कैसा रहा होगा पॉजिटिव। तो वही बोलना चाह रहा हूँ कि कोई फंक्शन मॉड में था, या मॉड में कोई फंक्शन था एज इट इज बाहर आ गया, यानी अंदर वाला फंक्शन कैसा रहा होगा पॉजिटिव। पकड़ मारी बात, पॉजिटिव या कितने इक्वल टू जीरो ले सकता हूं मैं। अच्छा अब इसको क्या बोल सकता हूँ, देखो अंदर वाला बाहर आने के बाद माइनस दे रहा है, यानी एक्स कैसा रहा है नेगेटिव, अंदर वाला बाहर आने पे नेगेटिव, यानी एक्स कैसा है। नोट करें इसको, जल्दी से आगे बढ़ते हैं, इससे एक छोटा क्वेश्चन जल्दी से निपटा लेंगे। जल्दी देखो भाई लोग कैसा क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैंने दिया यहाँ पे सुनना अच्छे से, एक चीजों को सुनना। मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ फाइव एक्स और प्लस ऑफ छह दे दिया, ठीक है क्या, और ये आ गया एज इट इज, देखना अच्छे से माइनस एक्स स्क्वायर प्लस पांच एक्स माइनस छह, देन एक्स बिलोंग्स टू, मैं बोलूंगा यहाँ पे देन एक्स बिलोंग्स टू। बहुत अच्छे समझ इस तरह क्वेश्चन में बच्चे पता देख सकते, सुनना आपको बस देखना है ऑब्जर्वेशन, मॉड के सामने कोई फंक्शन देखना सर दोनों एक जैसे दिख रहा है, लेकिन सुनना क्या दिख रहा है। मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस पांच एक्स प्लस छह और उसको कमी से लिखा माइनस कॉमन कीजिए, अंदर लिखा एक्स स्क्वायर माइनस पांच एक्स प्लस छह, फिर तुमको पता चला कि सर अंदर वाला फंक्शन एज इट इज बाहर आया लेकिन नेगेटिव लेके आया, तो बताना ये कंप्लीट फंक्शन नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। नेगेटिव होगा सर, लेस देन नेगेटिव, कंप्लीट फंक्शन एज इट इज आया साथ में माइनस आया लेकिन नेगेटिव होगा, यानी इसलिए मैं लिख रहा हूँ है ना, ओनली पॉसिबल, ओनली पॉसिबल। कैसे सर, एक्स स्क्वायर माइनस पांच एक्स प्लस छह लेस देन जीरो, पकड़ में एक बात, इसलिए हो सकता है प्यारे प्यारे फैक्टर एक्स माइनस तीन एक्स माइनस दो लेस देन जीरो, एक्स की वैल्यू दो और तीन के बीच फंस गया ऑलरेडी यहाँ पे, और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, और एक्स बिलोंग्स टू कितना आ गया दो से तीन के बीच में, ऐसा होगा होगा। कॉपी करें, अगला क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, समझ आ जैसे रिपीट कर रहा हूं। मैंने लिखा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ फोर एक्स प्लस ऑफ फोर इक्वल टू, लिखा आपके सामने एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर, क्या मतलब है इसका, कोई बताएगा। पॉजिटिव है सर, मॉड मॉड एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, हां एक बड़ी बड़ी ये ऐसे दिया हुआ है, मैं फॉर्म जैसे देख रहा ऐसे देखा ऐसे, हां अभी ऐसे देख रहा, अब बताओ मां घूमना चाहिए आपको, अच्छा ये तो ऐसा था मॉड अंडर सर, हां मॉड दिखेगा, मन किया मुझसे देख ले, मन किया ये सर एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर पड़ा हुआ है, नहीं आया समझ में, हां मैं तो नीचे चले गए, ये मॉड में आएगा, मॉड में mod x minus 2 इज इक्वल टू कितना x minus 2, अच्छा एज इट इज बाहर आया और साइन क्या लाया प्लस, इसलिए मैं बोलूंगा ओनली पॉसिबल। क्या ये बातें समझ में आ रही, मैंने सही लिखा करने से कहा ना बोलो, यस सर, इंप्लाइज क्या हुआ x greater than 2 तो x belongs to कितना 2 से इंप्लाइज, कॉपी करें, अच्छा ये इक्वल टू 0 लगा था सर, इक्वल टू 0 तो ये क्लोज ब्रैकेट आएगा, रिपीट करो रिपीट, पेपर में ऐसे क्वेश्चन आएगा ऐसे ऐसे दे देगा बच्चा कॉमा में, पता नहीं नॉर्मल बच्चा क्या करेगा इसमें, सिंपल सा क्या करेगा, दोनों तरफ स्क्वायर करके घुमा उड़ा देगा इसका, फंस जाएगा वो, और वो एक्स का वैल्यू निकाल के लाएगा, जबकि एक्स का वैल्यू ऐसे आएगा,
पकड़ में आ रही है, आप नॉर्मल से थोड़ा सा स्टैंडर्ड हो, ठीक है, चलिए और प्रैक्टिस करोगे तो स्टैंडर्ड से थोड़ा ऊपर और निकल जाओगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक में किसी को डाउट है तो आराम से पूछे, कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक में किसी को? नो सर, नो सर। अभी बात करते हैं, इस तरह क्वेश्चन आप हैंडल कर लेंगे, टैकल कर लेंगे, देखते हैं। आइए, तो ये टाइप वन था जिसमें हमने इक्वालिटी का क्वेश्चन कर लिया, टाइप टू क्या था? टाइप टू देखिए भाई, मैंने लिखा मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ फाइव मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस ऑफ सिक्स इक्वल टू जीरो, फाइंड एक्स, फाइंड एक्स, देखना अच्छे से चीजों को समझना। अब वो क्या है, ये मॉडुलस एक्स नहीं है, ओनली एक्स, ये ऐसा तरीका है, x स्क्वायर माइनस ऑफ 5 ऑफ मॉड x प्लस 6 इक्वल टू 0, फाइंड x, ऐसा देखा है। तो करना क्या है, इस तरह में देखना चाहिए, इसमें क्या होता है ना, बच्चा कंफ्यूज क्या करता है कि सर यहां पे एक मॉड है और एक विदाउट मॉड है, तो मैंने आपको सिखाया था, बिकॉज़ यू नो दैट, क्या जानते हैं कि सर मॉडुलस x स्क्वायर इज इक्वल इक्विवेलेंट टू x स्क्वायर, ये बात सही है गलत पूछे हैं, ये सही है, यस सर, मॉड x का स्क्वायर माइनस ऑफ 5 मॉड x प्लस ऑफ 6 इक्वल टू 0, यानी ये पता चला कि सारे अब मॉड में दिख रहे हैं, जैसे ही मॉड में दिखा मैंने आपको बोल दिया मॉड x को ठीक चलेगा, तो ये देखा t स्क्वायर माइनस ऑफ 5t प्लस ऑफ 6 इक्वल टू 0, बहुत आराम से t माइनस 5 सॉरी t माइनस 3 और यहां पे t माइनस 2, ठीक है, ये इक्वल टू कितना आ गया 0, t के नाम पे कौन आ गया 3 और t के नाम पे कितना आ गया 2, मैं फाइनली यहां पे लिखूंगा t इक्वल टू 3 और यहां पे लिखूंगा t इक्वल टू 2, यहां पे क्या सर mod x बराबर t और यहां पे mod x बराबर 2, यानी x इक्वल टू कितना आ गया प्लस माइनस 3 और यहां पे x इक्वल टू आ गया प्लस 1, टोटल वैल्यूज ऑफ x कितना आ गया लिखूंगा कितना भाई माइनस 2 माइनस 3 2 और 3, किसी को डाउट है कहीं पे पूछे, सही है, यस सर, तो घर से कसम खा के बैठे हुए हैं कुछ नहीं बोले, ठीक है, यहां तक में किसी को कोई डाउट है तो पूछो, ठीक है, तो आज मॉड फंक्शन का हमने 90% केस कवर कर दिया है, ठीक है, तो मॉड फंक्शन में जैसे ही खत्म होगा अगले क्लास में हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जैसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर खत्म होगा फिर उसके बाद हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में बात करेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट खत्म होगा सिग्नम के बारे में बात करेंगे, यानी अल्जेब्रिक फंक्शन सारा खत्म, फिर उसके बाद पीसवाइज फंक्शन सॉरी है ना नॉन अल्जेब्रिक फंक्शन जिसको बोलते हैं ट्रांसेंडेंटल फंक्शन के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम स्टार्ट होता है लॉगरिथम से, फिर एक्सपोनेंशियल, तरह तरह के फंक्शन जो देखे हैं उसको हम लोग कवर करेंगे, ठीक है क्या, तो आज अच्छे से देख लो, यहां तक किसी को डाउट है तो आराम से पूछो, अदरवाइज मैं इसमें एक क्वेश्चन देता हूं घर का ट्राई करना, तो टाइप टू हो गया इस तरह से, आई थर्ड पे आ जाता हूं जल्दी से, टाइप टू पे आ जाता हूं, सॉरी टाइप टू पे एक क्वेश्चन कर लेना नहीं करते, ठीक है, इसको आप ट्राई करना, फिर भी ट्राई करना, ठीक है, टाइप थर्ड पे एकदम ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, बस दो क्वेश्चन करेंगे तक से रवाना, इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी बेस्ड, इनइक्वालिटी बेस्ड प्रॉब्लम, सर फर्स्ट वाले में x प्लस 1 का होल स्क्वायर लिखे सर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है सर, ये और ये दोनों सेम ही दिख रहे ना, सही है, यस सर, ठीक है, इनइक्वालिटी बेस्ड प्रॉब्लम में क्या है, मैंने इनइक्वालिटी बेस्ड प्रॉब्लम में आपको मॉडुलस में पढ़ा रखा है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं यहां पे दो तीन रिजल्ट लिखवा देता हूं और वहां पे भी लिखा रखा है, कभी भी सुनना अच्छे से, mod x less than equal to a देना तो आप यहां पे इंप्लाइज ये करेंगे कि सर x का वैल्यू तो कहां से आएगा माइनस x के, ठीक है, इक्वल टू होगा तो इक्वल टू आएगा, नहीं इक्वल टू होगा तो ओपन में आएगा, पॉइंट नंबर 2 कह रहा हूं, mod x greater than equal to a है ना तो इंप्लाइज ये आएगा x की वैल्यू माइनस इनफिनिटी से a, क्लोज में माइनस और यूनियन ये सिंपल, ठीक है, पॉइंट नंबर 3 पे आता हूं, mod x जो है less than equal to a होगा और greater than equal to b होगा, तो आप कुछ नहीं लिखना है, क्या लिखना है सुनना, जैसे x belongs to minus a से b यूनियन b से a, आपको ये लिखना है, तीन रिजल्ट मैंने इनइक्वालिटी के सामने पढ़ा रखा है, ये रिजल्ट आपने ध्यान कॉपी करें, ठीक है, एक चीज और बता देता हूं, तीन के बाद चार, चार पे जाता हूं, सारी चीजें ये लिख देता हूं ताकि आप परेशान नहीं रहें, mod x greater than equal to minus of b और यहां पे लिख रहा हूं less than equal to a, तो इफ याद रखना कि b पॉजिटिव है, तो अगर b पॉजिटिव है जल्दी सोच के बता, अगर b पॉजिटिव है तो ऑटोमेटिकली ये पॉजिटिव इनटू नेगेटिव, नेगेटिव देगा, एग्री करते हैं इस बात से, यस सर,
ठीक है, तो आपको डोमेन क्या लिखना है, x belongs to R नहीं लिखना, सुनना अच्छे से, इसको आप इग्नोर कर देंगे, ठीक है। तो फाइनली आंसर आपको क्या लिखना है, फाइनली आंसर अपना x का वैल्यू, x belongs to minus AC, याद रखना अच्छे से, फिर से रिपीट करो। पॉइंट नंबर 5, अगर मैंने बोला मोटा x less than equal to minus A और greater than equal to कितना लिखूं, b, सही है। अब a यहां पे पॉजिटिव बोलना, a पॉजिटिव है, a पॉजिटिव है, तो सुनना अच्छे से, रिपीट कर रहा हूं अच्छे से, कोई भी मॉडुलस क्वांटिटी नेगेटिव से छोटा नहीं होता, नहीं आ सुनने, तो कोई मॉडुलस क्वांटिटी छोटा नहीं होता, x belongs to pi, याद रखना। यानी ये मॉडुलस के टाइप में ना ये पांच तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं, पांच तरह के, इस पांच से बाहर नहीं जाता, पांच से बाहर नहीं जाता, फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस पांच से बाहर नहीं जाता, ठीक है। आइए क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे, फटाफट करके क्वेश्चन को बात करेंगे। देखिए सर, एक क्वेश्चन तो कम से कम बनता है, सभी पे एक क्वेश्चन बता दो सर फटाफट करके, मैं तो जल्दी से बता दूं। अच्छा, किसी को याद है पिछले क्लास में मैंने बता भी दिया था, मॉड के फंक्शन में घोड़ा मेथड, रस्सी यहां से वहां, सब बताया था। यस सर, यस सर, याद है। एक चीज को क्या करना है, छोटा छोटा क्वेश्चन ले, फटाफट करके आंसर करना है। मैंने क्या लिखा था, लिखा है मॉड एक्स माइनस वन लेस देन इक्वल टू फोर, अब आंसर वही है लेकिन यहाँ पे क्या देखते हैं, माइनस वन देखते हैं, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको सर, जल्दी से बताओ। तो क्या होगा, आप यहाँ पे बैठ गया सर, अब क्या करना है, वन पे खड़ा करो, कितने की रस्सी, चार का, तो यहाँ पांच, तो यहाँ कितना आ गया, माइनस तीन, यस सर, एक में से चार कटेंगे ना, और बस यहाँ से दौड़ जाएगा, एक्स बिलोंग्स कहाँ से कहाँ जाएगा, माइनस तीन से पांच आ रखा है, फिर रिपीट करो, ये मॉडुलस की इंपोर्टेंस बता रहा है, और हमने ऑलरेडी कॉपी करें। अच्छा सर, तो डायरेक्टली अगर लिखना पड़े मेरे को, आपने जो पास रिजल्ट दिया उसको कैसे लिखते हैं, ये मेथड वाला हो गया, मेथड टू पे डायरेक्टली बता दो, डायरेक्टली कैसे होगा, डायरेक्टली सुनो, एक्स बिलोंग्स डायरेक्टली लिखो, डायरेक्टली आपको अंदर वाला पार्टी ऐसे लिखना, x माइनस वन बिलोंग्स टू कितना होगा सर, माइनस चार से चार, नहीं आया समझ में, याद हो गया, अगर अंदर वाला कोई है ऐसा लेस देन इक्वल टू फोर बोल रहा है, तो मैंने अंदर वाले को बोला लेस देन माइनस फोर से फोर, मैंने वही तो लिखा, अंदर वाला क्या बैठा देते, x माइनस वन, ठीक है। अब क्या करना है, इस वन को दोनों को दे दो, x बिलोंग्स टू कितना आ गया, माइनस वन प्लस वन चार प्लस वन, जल्दी से बोलो x कितना आ गया, माइनस थ्री से फाइव, सही है, कॉमन तो नहीं हो, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन मैंने बता रखा है, तो मैं फिर से यहाँ पे लिख रहा हूँ ना, रेडियो नोटबुक ऑफ मॉडुलस इनइक्वालिटी प्रॉब्लम, ठीक है, पढ़ लेना एक बार, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, है ना, उसे बोलते हैं ना, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग इन www.modulusfunction.com, सही है, चलो, यस सर, आज नहीं रखते हैं, बाकी मिलते हैं अगले क्लास में, तो मॉडुलस के दो चार क्वेश्चन और करा के मैं जाऊंगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, थैंक यू।